Thank <laughs> हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन एकेडमी सब स्टूडेंट एक बार क्लियर कर दीजिए ऑडियो वीडियो सारे चीज़ें परफेक्ट हैं निशा एंटी रंजन रुचि रजत सोनी पूनम शिखा सभी के लिए बहुत बहुत, बहुत गुड मॉर्निंग दोस्तों अमरया सुखवीर आनंद गुड मॉर्निंग डिम्पल सुनील रजत सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत गुड मॉर्निंग ठीक है चलिए देखिए आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपका जो हिस्ट्री जैसा कि मैं पहले आप सभी को बता चुकी हूं कि जो थर्टी अभी नेक्स्ट आपको जो थर्टी क्लासेस लगभग मिलने वाली हैं ये थर्टी क्लासेस आपको हिस्ट्री की मिलेंगी ठीक है सिक्स सेवन एट अवेलेबल है और अभी मैं आपको एलेवन ट्वेल्थ का जो हिस्ट्री है आपका प्रॉपर वो बताने वाली हूँ वो वो हम साथ में उसको डिस्कस करेंगे ठीक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें भी देखो मैं आपको न्यू नहीं बल्कि ओल्ड एन करा रही हूँ और अभी हम कर रहे हैं आर एस शर्मा जो रामचरण शर्मा सरवाला जो आपका एंशियंट हिस्ट्री है ठीक है जो आपका प्राचीन इतिहास है इसको हम कवर कर रहे हैं ठीक है ठीके? प्राचीन प्राचीन इतिहास जो भारत है आपका इसको हम कवर कर रहे हैं कल हमने इंडेक्स देखा था क्यों है हम क्यों उसका <coughs> हम क्यों उसका अध्ययन करते हैं और उसकी क्या प्रासंगिकता है क्या हमें वर्तमान में पुरानी रूढ़ियों को लेकर चलने की आवश्यकता होती है या फिर हमें उन चीजों से सीखना है कि ये कमियां ये रूढ़ियां अब के समय में नहीं होनी चाहिए तो इन तमाम बातों पर कल हमने डिस्कशन किया था लास्ट हमने अपनी चर्चा छोड़ी थी कि जब हम इतिहास की बात करेंगे कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसमें ब्रिटिशर्स का क्या योगदान था उसमें राष्ट्रवादियों का क्या योगदान था कुछ चर्चा आपके अपने के दृष्टिकोण से हो चुकी थी कुछ चर्चा आपकी शेष थी उसके बाद आगे हम बात करेंगे कि आखिर कौन से ऐसे टाइप ऑफ सोर्सेज है जहाँ से आपको जानकारी मिलती है और उसके बाद हम प्रास्तर युग की बात करेंगे आदि मानव वाली बात करेंगे ठीक है चालीसों स्टार्ट करते हैं हम अपने आज की क्लास को जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि बाकी भी जो फ्रेंड्स हैं वह हमसे जुड़ जाए सभी बच्चे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं दोस्तों अनकेडमी पर अवेलेबल है आप सभी के लिए प्लस एंड बाकी आइकॉनिक कोर्सेज यूज़ कीजिए मेरा कोड मंजू वन ज़ीरो वन टेन परसेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए और साथ ही <coughs> साथ अभी देखो 28 अगस्त आज जो है वह आपका लास्ट डेट है ठीक है 28 अगस्त आपका आज लास्ट डेट है इस स्पेशल ऑफर के लिए वन ईयर का केवल 49,000 में है जिसमें कि आपका जीएस प्लस ऑप्शनल प्लस आपका पीटी प्लस मेंस टेस्ट सीरीज प्लस ऑप्शनल टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट आपका मिल रहा है ठीक है तो ये ऑफर जो कि बहुत सारे स्टूडेंट ले नहीं पाए थे तो सभी की डिमांड पर अकेडमी के द्वारा उसको एक्सटेंड कर दिया है वन ईयर का फोर्टी नाइन एंड सेकेंड टू ईयर का बच्चों सेवेंटी वन थाउजेंड है तो एक बार सारे जो तैयारी यानी वन सब्सक्रिप्शन टू क्रैक इट ऑल सारे आ, आपकी फुल प्रिपरेशन के लिए है ये इसमें देखो ट्वेंटी फाइव और एक्स्ट्रा टेन डिस्काउंट के लिए कोड यूज़ करना है ठीक है चलिए बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं कि अभी जो आपको सिक्स इन वन ऑफर मिल रहा है इसका प्राइजेस कल के बाद आपको थोड़ा चेंज मिलने वाला है अभी देखिए इसके बाद आपको क्या प्राइजेस मिलते हैं कि जैसे आपने वन ईयर का लेना है ट्वेल्व मंथ्स का ये आपका है प्लस वाला बच्चों तो देखो प्लस में फोर्टी नाइन थाउजेंड बट कोड यूज़ कर लो मंजू वन जीरो वन फोर्टी फोर थाउजेंड आपका पे हो जाएगा और जब आप आइकॉनिक परचेस करेंगे तो आफ्टर डिस्काउंट सिक्सटी सेवन थाउजेंड आइकॉनिक है ठीक है प्लस में आपको लाइव क्लासेज वीकली टेस्ट स्ट्रक्चर कोर्स अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है वहीं दोस्तों आइकॉनिक में देखो पर्सनल गाइडेंस टेस्ट एनालिसिस एक्सपर्ट गाइडलाइंस स्टडी मटेरियल स्टडी प्लानर ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं अगर आप अलग से ऑप्शनल चाहें ट्वेंटी फोर थाउजेंड है इसमें भी आप कोड यूज़ कीजिए साथ ही हर संडे को ग्यारह बजे आपका कॉम्बेट होता है कॉम्बेट क्या है आप एप्लीकेशन पर अगर जाएंगे बच्चों एक फ्री ऑफ एक एंड्रॉय टेस्ट है जिसमें कि आप सभी बच्चों को यूपीएससी के लेवल के टेस्ट पेपर्स मिलते हैं क्वेश्चन मिलते सिक्सटी क्वेश्चंस ठीक है फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन सिक्सटी मिनट में करने होते हैं आप जान पाते हैं कि ऑल इंडिया लेवल आपका क्या है क्या रैंकिंग है इन तमाम बातों को ठीक है स्कॉलरशिप सभी बच्चों को प्रोवाइड की गई है यानी जो हमारे टॉप फाइव स्टूडेंट्स होंगे फर्स्ट सेप्टेम्बर से काफ़ी हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं फ्री टेस्ट सीरीज़ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी ठीक है चलो तो कल हमारी चर्चा शुरू हुई थी प्राचीन भारतीय इतिहास में कि प्राचीन भारतीय इतिहास का आखिर महत्व क्या है हम क्यों इसे आ, समझने की कोशिश करते हैं पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमने जाना था कि प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब हुआ कैसे हुआ है ना कब हुआ कैसे हुआ इसके लिए हम जानते हैं पढ़ते हैं कृषि की शुरुआत कैसे होती है प्राकृतिक सभ्यता की शुरुआत कैसे होती है कैसे उसकी खोज हुई कैसे हमने जीविका के साधन विकसित कर लिए नगरों के साधन विकसित कर लिए अनेकता में एकता कुछ विशेषताओं को हमने समझा उसके साथ ही हमने यह भी जाना कि आज जो वर्तमान में आप शब्द बोलते हैं उन सभी का उन सभी का जो एक रूट की बात करें लिपि की बात करें बहुत पुरानी है पाली संस्कृत बहुत प्राचीन जो भाषाएं हैं उनकी बहुत पुरानी आपने लिपियों को सुना होगा वही हमने जाना था कि आखिर जब हम प्रासंगिकता की बात करते हैं कि आखिर वर्तमान में अतीत की क्या प्रासंगिकता है तो हमने इसमें समझा था कि अगर हमें आधुनिक काल की किसी भी समस्या को समझना है तो उसके लिए आपको जड़ तक पहुंचने के लिए तह तक पहुंचने के लिए कि आखिर इसकी शुरुआत कब हुई थी और क्यों हुई थी अगर हम इन चीजों को समझ लें आज की प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं तो यहां पर आपको दोस्तों याद रखना है कि भारत के अतीत का अध्ययन एक विशेष रूप से सार्थक सिद्ध होता है जब वर्तमान प्रॉब्लम्स को आपको थोड़ा सा पीछे जाकर समझना हो साथ ही हमने देखा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पुराना जो कल्चर है वह स्टेब्लिश करना चाहते थे आज कुछ भी ऐसे भी आज भी लोग हैं जो सोचते कि सोचते हैं कि भाई आज भी गुरुकुल पद्धति चले बट अब ऑनलाइन शिक्षा आ गई अब ऑनलाइन शिक्षा आ गई आप कहाँ से गुरुकुल पद्धति चलाओगे ठीक है तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको कि आप पास्ट में जाके समझते हैं इसके लिए आपको एचएच हिस्ट्री का अध्ययन आवश्यक होता है प्रासंगिकता इतनी है कि आपको जाति प्रथा सांप्रदायिकता महिलाओं के प्रति भेदभाव दुराग्रह इन सभी चीज़ों को आगे नहीं लेकर जाना है अगर इन रूढ़ियों को अगर आगे लेकर गए तो भारत की दुर्दशा हो जाएगी और अगर हम केवल अपने उज्जवल बुक्ष को आकर आगे लेकर चलते हैं तो निश्चित रूप से हम तरक्की करेंगे अब यहां पर देखो फिर हमने बात की थी कि आधुनिक लेखक कौन कौन से हैं इसमें मुख्य रूप से हमें केवल दो बातों को समझना होता है एक तो जो उपनिवेशवादी आते हैं जो ब्रिटिशर्स आते हैं उन्होंने भी कुछ प्रयास किए कि हमारी जो प्राचीन परंपरा जैसे हम महाभारत है पुराण है या अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक या फिर बाकी सारे जो रचनाएं हैं उनका अनुवाद कर लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन

और आधुनिक तीनों इतिहास को जानने का सोर्स अलग अलग है उसके पीछे कारण है कि पहले अगर लिपि नहीं थी बाद में लिपि विकसित हो गई पहले कागज नहीं थे फिर कागज विकसित हो गए ठीक है तो स्रोत भी जो क्या है वह क्या होंगे अलग अलग होंगे और थोड़ी सी चर्चा हम प्रास्तर युग की करेंगे आदि मानव वाली बात करेंगे कि जो पाषाण काल नवपाषाण काल महा जो मध्य पाषाण काल है ये सारी चीजें क्या है और इस संदर्भ में पूरे इस युग को हम समझेंगे आज की हमारी चर्चा ये रहेगी ठीक है ताम्रपाषाण, हड़प्पा आर्यो का आगमन ऋग्वेदिक हमारे कल की चर्चा का विषय होंगे आज केवल इतना चलिए तो सबसे पहले देखो एक बार और मैं आपको थोड़ा सा इंडेक्स से परिचित करा देती हो सकता है कल कुछ बच्चे क्लास में ना हो इसमें आपको हड़प्पा संस्कृति ऋग्वेद उत्तर वैदिक जैन बौद्ध जनपद राज राज मगध ईरानी आक्रमण काल में और वर्ण समाज मौर्य मौर्य शासन का महत्व मध्य एशिया से संपर्क उसके परिणाम सातवाहन योग सुदूर दक्षिण में इतिहास का आरंभ मौर्योत्तर युग में शिल्प व्यापार नगर गुप्त साम्राज्य का उद्भव और विकास गुप्त काल का जीवन पूर्वी भारत में सभ्यता का प्रचार हर्ष काल प्रायदीप दर्शन का विकास एशियाई देशों से संपर्क सामाजिक परिवर्तनों का अनुक्रम विज्ञान और सभ, सभ्यता की विरासत तो ये टॉपिक्स है जो जो कि रामचरण शर्मा आपका प्रारंभिक भारत का परिचय है ठीक है इसमें हम पढ़ते हैं ठीक है चलिए सो अभी हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक के संबंध में कौन सी संकल्पनाएं कौन से कॉन्सेप्ट है दोस्तों जो हमें समझते हैं एक बार जल्दी से बच्चों क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि बाकी भी जो फ्रेंड सब है आ जाए जल्दी से चलिए देखिए कल हमने बात की थी कि हम इसे समझने के लिए कि आखिर आधुनिक लेखक कौन है दो भागों में वर्गीकृत कर लेते हैं एक तो हम जो उपनिवेशवादी हैं उपनिवेशवादियों के दृष्टिकोण से ठीक है और दूसरा हम देखेंगे इसमें राष्ट्रवादियों के दृष्टिकोण से राष्ट्रवादियों द्वारा किस तरह से प्राचीन इतिहास का आधुनिक में हम खींच कर लेके आए तो देखो उपनिवेशवादियों की दृष्टि से प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक कैसे रहे तो देखो इसमें जैसे कि हमने एशियाटिक uh, सोसाइटी की बात की यानी जो भी काम जो भी सोसाइटी स्थापित की गई कि आपको प्राचीन जो uh, काव्य है महाकाव्य उसका ट्रांसलेशन करना है उसकी शिक्षाएं देखनी जैसे इनको लगा कि भारतीयों के उत्तराधिकार में बड़ा पंगा है इसमें बड़ी प्रॉब्लम है और वहां से वो कहते हैं कि चलो मनुस्मृति का हम ट्रांसलेशन करते हैं मनुस्मृति में कुछ बातें दी गई है जिससे कि वो जस्टिस करा सके ठीक है तो यहां पर इन्होंने क्या किया कि उसका अनुवाद करा लिया इंग्लिश ट्रांसलेशन करा लिया मनुस्मृति का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है इसका अ कोड ऑफ जेंटू अ कोड ऑफ जेंटू लॉस ठीक है यहां तक हो गया मनुष्मी हो गया इसके बाद हमने देखा कि अभिज्ञान शाकुंतलम और भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद हुआ अभिज्ञान किसकी कृति है अभिज्ञान शाकुंतलम क्या कहानी जुड़ी हुई है इससे शकुंतला अभिज्ञान जो आपका शाकुंतलम है बच्चों अभिज्ञान शाकुंतलम और इसके साथ साथ है आपका गीता, ठीक है गीता, इसका भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करोगे अर्थ थो थोड़ी बदल दोगे इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया तो हम प्राचीन भारतीय इतिहास को आगे लेकर आ गए इसलिए हमने ये दे दी अब नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रवादियों के द्वारा क्या प्रयास किए गए ठीक है इसे हम समझेंगे लेकिन इसके पहले थोड़ा सा और समझो कि आखिर उपनिवेशवादियों ने हमारे इतिहास को हमें ही किस तरीके से हमारे इतिहास से परिचय कराया तो जानते उपनिवेशवादियों का जो दृष्टिकोण है अब देखो जैसे अगर प्रश्न आ गया कि उपनिवेशवादियों के दृष्टिकोण से जो प्राचीन इतिहास है वह क्या है उनका दृष्टिकोण क्या है इस संबंध में लेके बहुत प्रगतिशील है या फिर क्या तो देखो ये उपनिवेशवादी क्या कहते हैं ये कहते हैं दोस्तों कि जो भारतीय हैं जो भारतीय हैं ये परंपरा को ज्यो का त्यो चाहते उसमें परिवर्तन नहीं चाहते ये कहते हैं कि भारत के लोग स्वेच्छाचारी जो शासक है उसके आदि रहे स्वेच्छाचारी मतलब अपने मन से कोई अंकुश नहीं है अपने मन से कुछ भी करो जो स्वेच्छाचारी शासक होते हैं उसके अधीन इनमें शासन प्रशासन का कोई गुण नहीं है ठीक है इनके द्वारा क्या कहा गया कि इन्होंने आध्यात्मिकता और पारलौकिक समस्याओं की तो ये बात कर रहे हैं कि अगले जन्म में आप ये होगा आपका पिछला जन्म ये रहा होगा इस वजह से आपको इस जन्म में परेशानी है लेकिन ये इस जन्म की तो कोई बात ही नहीं करते हैं तो इन्होंने कहा कि जो भारतीय दृष्टिकोण है इतिहास का अब देखना व्याख्या को तोड़ मरोड़ रहे हैं ठीक है भारतीय दृष्टिकोण जो है वह कैसा है वह पारलौकिक है उस लोक की चिंता कर लो इस लोक में चाहे कुछ भी हो जाए आपका ठीक है वह क्या है पारलौकिक है आपने अध्यात्म अध्यात्म आपका ज्यादा हो रहा है अध्यात्मिक है आपने अहलौकिक की चिंता नहीं की क्या नहीं किया आपने अहलौकिक की चिंता नहीं की आपको पिछले जन्म से मतलब है आगे आने वाले जन्म से मतलब है कि अगला जन्म आपको अच्छा मिल जाए लेकिन आपको इस जन्म से कोई मतलब नहीं है ठीक है आपने एलौकिक की चिंता नहीं की तो उपनिवेशवादियों ने कहा कि अरे भाई इसकी चिंता करने के लिए भी तो कोई हो और वो हम करेंगे क्या कहा कि भारतीय तो व्यस्त है अध्यात्म में पारलौकिक में अब इस इसलोक की जो चिंता है वह हम करेंगे ठीक है कोई तो हो कोई तो करे इस काम को हम करेंगे कौन करेगा ये उपनिवेशवादी कह रहे हैं ये ब्रिटिशर्स कह रहे हैं कि इन्हें भगवान को देखने दो हम इन पर शासन करते हैं रूल करते हैं ठीक है अब दूसरी बात इन्होंने कहा कि ना तो इनमें राष्ट्रीय भावना है भारतीयों में ना तो राष्ट्रीय भावना है और ना ही इसमें स्वशासन है ना ही राष्ट्रीय भावना ना ही स्वशासन ये दोनों ही बातें नहीं है ना ही राष्ट्रीय भावना ना ही स्वशासन ठीक है ये दोनों ही बातें किसमें नहीं है भारत की संस्कृति में नहीं है ऐसा उपनिवेशवादियों की दृष्टि से वो कह रहे हैं मतलब नेगेटिव भी काफी सारी चीजें हैं अब देखो विंसेंट जो ऑर्थर स्मिथ थे एक विद्वान का नाम सुनो कितने लोगों ने सुना है विंसेंट ऑर्थर स्मिथ नहीं सुना कोई बात नहीं अभी सुन लो ऑर्थर स्मिथ इनकी एक बुक आती है ठीक है दोस्तों इनकी एक बुक आती है बुक थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इसमें देखो इस इस बुक में इन्होंने क्या किया राजनीतिक इतिहास का वर्णन किया भारत के अब देखना कितना बढ़िया वर्णन किया वर्णन सुनिएगा राजनीतिक इतिहास का वर्णन किया और जानते हैं इस पूरे राजनीतिक इतिहास में इन्होंने सिकंदर का जो आक्रमण था आपको नेक्स्ट चैप्टर में सिकंदर और मकदूनिया जो आक्रमण है अरब आक्रमणकारी ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे ठीक है तो इन्होंने राजनीतिक इतिहास का वर्णन देखो कैसा किया कि जो एक तिहाई हिस्सा है वह सिकंदर से भर दिया एकदम मतलब इन्होंने जो वर्णन किया आपने क्या किया एक तिहाई हिस्सा किससे भर दिया सिकंदर से भर दिया मतलब से केवल सिकंदर के आक्रमण ही हमारा प्राचीन भारत है एक तिहाई हिस्सा सिकंदर के आक्रमण से इन्होंने भर दिया ठीक है तो यानी इन्होंने राजनीतिक इतिहासकारों को इस तरह से समझाया अब आगे देखो तो देखो बेसिकली इनका लक्ष्य क्या था उपनिवेशवादियों की दृष्टि से जो इन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास का वर्णन किया दोस्तों उसका एक लक्ष्य था और वो लक्ष्य था हमारी उपलब्धियों को नीचा दिखाना क्या लक्ष्य था इनका ऑल ओवर जो मोटिव था उपलब्धियों को नीचा दिखाना कि हमने कुछ हासिल ही नहीं किया हासिल ही नहीं किया उपलब्धियों को नीचा दिखाना उपलब्धियों को नीचा दिखाना इनका मेन मोटिव था सभी बच्चे लिखते जाइएगा ठीक है आप सभी स्टूडेंट प्लीज लिखते जाइए नोट करते जाइए सभी फ्रेंड्स नोट करते जाएंगे क्लियर है तो इन्होंने कहा कि भारत के लोग जो है वह केवल पारलौकिक जीवन की बात कर रहे हैं उसी में डूबे हुए हैं यह लौकिक का इनको ख्याल नहीं है और इनके जीवन की देखभाल कौन करेगा इनके जीवन की देखभाल हम करेंगे क्यों करेंगे क्योंकि इनमें ना तो राष्ट्रीय भावना है ना ही इसमें स्वशासन है तो देखना यह उपनिवेशवादियों की दृष्टि से हो गया अब आप एक की दृष्टि समझ गए अब आप दूसरे की दृष्टि अपने आप समझ जाओगे कि आधुनिक लेखक में जो दूसरा पाठ हम पढ़ेंगे राष्ट्रवादियों वाला वो अब इनकी आलोचना करेंगे उनके कुछ अनुवाद उनकी कुछ किताबें अलग होगी लेकिन ये याद रखना कि इनको लक्ष्य रखते हुए ये हां कहेंगे तो वो ना कहेंगे चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से

मतलब दूसरी जगह के लोग जो है जिन्होंने उस प्रदेश को जीत लिया है वो वहां पर अपनी कॉलोनी बसा है हमें हम पर शासन किया बस वही उपनिवेश उपनिवेशवादी हो गए तो उपनिवेशवादी कौन थे हम अंग्रेजों ब्रिटिशर्स की ही तो बात कर रहे हैं तो उपनिवेश मतलब इसके इस वर्ड का अर्थ होता है कॉलोनी और इसका सीधा सा अर्थ यही है कि दूसरे देश के यानी विजेता राष्ट्र के लोग जब एक जिस देश पर उन्होंने कब्जा कर लिया उस पर आकर बस जाए वो आपका उपनिवेश हो गया क्लियर चलिए आई थिंक मुझे लगता है बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा अब नेक्स्ट इसका पार्ट है दूसरा इसका जो पार्ट है वह कौन सा है उपनिवेशवादियों की दृष्टि हो गई अब लास्ट दृष्टि आपको इसमें देखनी है कि आखिर जो हमारे राष्ट्रवादी थे उनकी दृष्टि क्या कहती है ठीक है कुछ इनकी किताबें देखते हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं राष्ट्रवादी की दृष्टि और योगदान राष्ट्रवादी लिखते जाइएगा राष्ट्रवादियों की दृष्टि आगे का जो चैप्टर है बुक की पीडीएफ रखी हुई है दोस्तों दृष्टि और योगदान देखो उतना ना अवेलेबल नहीं है जैसे मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये लगता है न्यू पढ़े ओल्ड पढ़े देखो ओल्ड आपको हार्ड कॉपी तो मिल रही है हार्ड बुक आपको मिल जाएगी ऑनलाइन बहुत ही कम जो पीडीएफ है अवेलेबल है गवर्नमेंट का जो ई पाठशाला है ना एनसीआर टी उसमें सारे न्यू एनसीआर अवेलेबल है राष्ट्रवादियों की दृष्टि और योगदान को हम देखेंगे तो देखो सबसे बड़ी चुनौती क्या थी इन राष्ट्रवादियों के सामने जो पढ़े लिखे थोड़े से भारतीय लोग हो गए थे इनके सामने यानी पाश्चात्य शिक्षा जिन लोगों ने ग्रहण कर ली थी उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि वो खंडन करें उस बात का किस बात का कि किस तरह से जो ब्रिटिश या जो पश्चिमी जो लेखक थे उन्होंने भारत की उपलब्धियों को कम करके दिखाया उन्होंने क्या किया भारत की उपलब्धियों को कम करके दिखाया उपनिवेशवादियों इनकी चुनौती थी उपनिवेशवादियों द्वारा इतिहास को तोड़ मरोड़ कर जैसे कोई नागपंचमी के दिन आता है और वो कहता है कि भारत तो सपेरों का देश है तो उपनिवेशवादियों के द्वारा इतिहास को तोड़ तोड़ मरोड़ कर पेश किया ये चुनौती थी इनके सामने अब इन्हें क्या करना था सीधा करना था इन सब बातों को और देखो इन्हें एक बहुत बड़ा एक वैमनस्य था किस बात से लेकर एक तो चुनौती आपकी ये हो गई दूसरी चुनौती देखो एक वैर भाव कहे ईर्ष्या भाव कहे तो एक वैमनस्यता जानते किस चीज से पनप गई कि जो देश हम पर शासन कर रहा है यानी ब्रिटेन ब्रिटेन में है पूंजीवादी समाज कैपिटलिज्म है यहां पर कैपिटलिज्म है ना पूंजीवादी समाज है और वही भारत में भा, भारत का जो समाज है उसका पतन हो रहा है पतन की तरफ जा रहा है पतोन्मुखी समाज हो रहा है क्यों क्योंकि हमारे यहाँ सामंती व्यवस्था है फ्यूडल सिस्टम है सामंती व्यवस्था का पनप रही है और ये जो सामंती व्यवस्था है जब ये इसका पतन हो रहा है पूंजीवादी का उत्थान हो रहा है इसके बीच का जो अंतर है वह क्या क्रिएट करता है एक वह क्रिएट करता है ठीक है अब देखो तीसरी बात यह है कि इनका जो लक्ष्य था राष्ट्रवादियों का मेन लक्ष्य क्या था कि जो इन्होंने हमें अयोग्यता करार दिया अयोग्य करार दिया था ना बहुत सी बातों को लेकर कि इतिहास का आप आपका कोई हिस्ट्री नहीं है ठीक है और आप जो है वह सुशासन नहीं कर सकते ये बातें जब आ, कही गई उपनिवेशवादियों के द्वारा तो इनका मेन लक्ष्य हो गया इतिहास का पुनर्निर्माण करना इतिहास का पुनर्निर्माण करना ठीक है इतिहास का पुनर्निर्माण करना स्वराज प्राप्त करना और हिंदू पुनर्जागरण स्वराज और हिंदू पुनर्जागरण हिंदू पुनर्जागरण ये इनके लक्ष्य हो गए नेक्स्ट देखो इसमें देखो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों राजेंद्र लाल मित्र कुछ हम लोगों के नाम पढ़ते हैं कुछ व्यक्तियों के नाम पढ़ते हैं जिन्होंने इसमें योगदान दिया ठीक है तो ऐसे एक व्यक्ति थे पहला नाम मैं यहां लिख देती हूं राजेंद्र लाल मित्र इनके द्वारा इंडो एरियंस एक किताब लिखी गई कौन सी किताब इंडो एरियंस इंडो एरियंस इनकी एक बुक थी और इन्होंने कहा कि भारत में जो वर्ण व्यवस्था है इस किताब में इन्होंने कहा कि भारत में जो वर्ण देखो पीटी में सीधे सीधे इस तरह से फैक्ट पूछ लिए जाते हैं कि ये किताब किसकी थी और इस किताब में बात किस चीज की, की गई थी तो यहां पर इन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था तो श्रम विभाजन पर आधारित है और ऐसा ही श्रम विभाजन यूरोप में भी रहा और इन्होंने कहा कि ऐसा ही जो श्रम विभाजन है ऐसा ही श्रम विभाजन प्राचीन यूरोप में था प्राचीन यूरोप में था मतलब ये आप सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके यहां व्यवस्था थी वही हमारे यहां तौर तरीके थे प्राचीन यूरोप में था ठीक है तो इन्होंने वर्ण व्यवस्था को एक सही प्रतीत दिया अब देखो नेक्स्ट फेज में जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो इसके एक और आपका फ्लो चार्ट बन जाएगा इसके बारे में क्योंकि थोड़ी जानकारियां ज्यादा है ठीक है आपको राष्ट्रवादियों की दृष्टि से प्राचीन इतिहास को जरूर समझना है दोस्तों सीधे सीधे आपको मेंस में इसमें क्वेश्चन मिल जाते हैं और पीटी में इवन एक एक फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो जो मेन्स सारा इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको समझा रही हूं जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए राष्ट्रवादियों की दृष्टि में कुछ और दो चार बातें हम देखते हैं राजेंद्र लाल मित्र की बात हो गई इनका लक्ष्य क्या था और इनके सामने चुनौती क्या थी ये मुख्य बातें हमने देख ली ठीक है अब इसके आगे देखो अब इसके आगे हम समझेंगे कुछ और लोगों के नाम और कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अब देखो इसमें महाराष्ट्र के थे रामकृष्ण गोपाल भंजारकर कहा पर महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और विश्वनाथ काशी और विश्वनाथ काशी ठीक है विश्वनाथ काशीनाथ इन्होंने क्या किया देश का इन्होंने कहा कि देश का एक राजनीतिक इतिहास था इन्होंने कहा वर्णन किया देश के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास का सामाजिक और राजनीतिक इतिहास का पुनर्निर्माण किया मतलब जहां भी इन्हें इसके तत्व मिले कि यहां पर हमारे यहां राजनीतिक और सामाजिक तत्व थे उस चीजों को इन्होंने ढूंढकर निकाला ठीक है तो यहां पर इनका प्रयास हो गया अब देखो हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पांडुरंग वामन काने थे एक पांडुरंग वामन काने ठीक है काने काने पढ़, पढ़ लीजिएगा तो देखो यहां पर इन्होंने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र लिखी इनकी पुस्तक कौन सी थी इवन एनसीआर में अगर कोई एक फैक्ट लिखा हुआ है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा दोस्तों हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र और ये क्या कहते हैं हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र इन्होंने कहा कि जब अगर भारतीय विद्वानों ने जानकारी दी आपके राजनीतिक इतिहास की दैट मीन्स आपके यहां शासन प्रशासन था ठीक है इन्होंने भी क्या कहा कि भारत में शासन प्रशासन था अब देखो वही बात हो गई कि उपनिवेशवादी कह रहे हैं मतलब है अरे अध्यात्म भी था लेकिन शासन प्रशासन भी तो था आपने ऋग वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में या फिर प्राचीन जब हम इतिहास की बात करते हैं आपने सभा समितियां ये सारी चीजें सुनी है ना ये सब क्या था गणराज्य नहीं थे अलग अलग से कमेटी मतलब समितियां बनी हुई थी जो राजा का चयन करती थी तो ये एक तरह से व्यवस्था ही तो थी शासन प्रशासन की चाहे मौर्य काल से हम शुरू कर ले गुप्त काल की बात कर ले हर्ष काल की बात कर ले और फिर आगे के कालों में तो आपको स्पष्टता मिली शासन प्रशासन की व्यवस्था हम इतिहास भी पढ़ते हैं हम ये कैसे कहें कि प्राचीन भारतीय इतिहास के लोगों को या फिर जो हम प्राचीन भारत का इतिहास कहते हैं उस वक्त के लोगों को शासन प्रशासन की जानकारी नहीं थी वो केवल अध्यात्म में मगन थे वो केवल पारलौकिक को जानते थे एहलौकिक को नहीं जानते थे ठीक है अगर ये लोग को नहीं जानते आगे हम दर्शन की बात करेंगे और दर्शन में आपने चार भाग दर्शन को सुना होगा जिन्होंने कहा कि भौतिकतावादी मतलब जो कुछ है वह इसी लोक में है तो जब हमारा दर्शन ही इस बात को मान रहा है कि एक दर्शन तो ऐसा है ना कि जो कहता है सारा कुछ इसी लोक में है यहीं पर भोग लो जो आपको भोगना है और इसलिए कर्ज लेकर आप घी पी लो भाई ये इस बात को कहता है ठीक है तो फिर आपको इसी तरह की जो बातें हैं कमेंट्स है वह लिखने होंगे बच्चों जब आपसे उदारवादियों और राष्ट्रवादियों के बीच में अंतर पूछा जाएगा अब नेक्स्ट देखो आरसी मजूमदार ने हिंदू पुनर्जागरण बात पर जोर दिया हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पेपर इन्होंने एक लेख लिखा हिस्ट्री एंड कल्चर हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल ठीक आर सी मजूदार और देखो इस लेख में भी इन्होंने बताया कि क्या कल्चर था हमारा ठीक है क्या इतिहास था इसकी बातें करते हैं और इसी माध्यम से ये हिंदू पुनर्जागरणवाद हिंदू पुनर् बात की इन्होंने व्याख्या की नेक्स्ट है आपका यहां पर फिर से आ गए स्मिथ ने क्या किया था कि भारत का जो राजनीतिक इतिहास है इसका एक तिहाई हिस्सा इन्होंने सिकंदर से भर दिया अरे सिकंदर होगा महान भाई लेकिन भारतीय इतिहास का इतना बड़ा हिस्सा आपने केवल सिकंदर के नाम कर दिया अगर राजनीतिक इतिहास लिख रहे हो वो तो गलत है तो फिर यहां पर राष्ट्रवादियों ने क्या किया सिकंदर और पोरस की बातचीत पर ध्यान केंद्रित किया सिकंदर और जो पोरस राजा था ठीक है उसकी बातचीत को किस किताब में इसका वर्णन है बताइए बातचीत पर ध्यान फोकस किया ठीक है और यहां पर एक और विद्वान थे केपी जाय सवाल। केपी नाम सारे याद रखोगे केपी सवाल, ठीक है इन्होंने हिंदू पॉलिटी बुक लिखी हिंदू पॉलिटी अब देखो सबके सब ये सिद्ध कर रहे हैं भैया है कि अगर हम हिंदू मतलब पॉलिटी तो स्वराज नहीं था ये सारी बातें हमारे प्राचीन इतिहास में भी मौजूद थी तो मुझे लगता है बच्चों अब अगर प्रश्न आएगा कि प्राचीन आ, जो इतिहास है उसके दो दृष्टिकोणों की अगर आपको व्याख्या करनी हो तो एक उपनिवेशवादियों की दृष्टि से और दूसरा राष्ट्रवादियों की दृष्टि से आप सभी करने में सक्षम होंगे लिख पाओगे इवन ठीक है चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से समझ आ रहा है नहीं आ रहा है जल्दी से बताइए अब देखो कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने राजनीतिक के जगह थोड़ा सा कल्चर वगैरह पर फोकस कर लिया ठीक है थोड़ी सी चर्चा उनकी और फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा थोड़ी सी जो चर्चा है वह हम उन लोगों की करेंगे राष्ट्रवादियों की हो गई उपनिवेशवादियों की हो गई राष्ट्रवादियों और उपनिवेश वो वाला स्लाइड आपका सुरक्षित है ठीक है दो चर्चा आपकी हो गई चलो खैर न्यू ही ले लेती हूं अब तीसरी चर्चा आपकी होगी उपनिवेशवाद इस चैप्टर में यही चीजें आपको बस देखती थी यहां पर आपको एकदम लाइन बाय लाइन रीडिंग की आवश्यकता नहीं है तो जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ वो तरीका सही है बच्चों आपका कुछ भी स्किप नहीं होगा और बाकी टेलीग्राम पर किसी स्टूडेंट ने अभी जस्ट पीडीएफ को शेयर किया हुआ था उससे आप पढ़ सकते हैं बुक उपनिवेशवादियों की जब हम बात करेंगे आ, कर चुके हैं राष्ट्रवादियों की हम बात कर चुके हैं ठीक है राष्ट्रवादी की बात हो गई अब जो हमारी तीसरी चर्चा है वह किस पर होगी आ राजनीतिक इतिहास की आ राजनीतिक इतिहास मतलब अब इसमें राजनीति की बात नहीं हो रही आ राजनीतिक इतिहास ठीक है चलो सो so, देखिए इसमें सबसे पहले क्या है कि ब्रिटिश इतिहासकार थे एक एल बैशम बैशम ब्रिटिश इतिहासकार ब्रिटिश इतिहासकार बैशम इन्होंने बुक लिखी वंडर दैट वाज इंडिया वंडर वाज इंडिया ठीक है 1951 और प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का इसमें क्या किया इस बुक में इन्होंने प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का वर्णन किया प्राचीन संस्कृति सभ्यता का सुव्यवस्थित वर्णन किया सुव्यवस्थित व्यवस्थित वर्णन किया सर्वेक्षण किया ठीक है एक अन्य व्यक्ति थे डीडी डी कौशाम्बी डी डी कौशाम्बी पढ़ लेते हैं डीडी डी ठीक है और इन्होंने दोस्तों लेख लिखा और बुक लिखी एन इंट्रोडक्शन एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ ठीक है साथ ही देखो एंशियंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन ये इन्होंने लेख भी लिखा एक लेख और लिखा ये सारी बातें याद रखो एंशियंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन हिस्टोरिकल आउटलाइन के नाम से ठीक है इन्होंने भी वर्णन किया कि प्राचीन भारतीय इतिहास में संस्कृति भी थी सभ्यता भी थी कल्चर भी था और सिविलाइजेशन भी था तो देखो जो पश्चिमी लेखक थे दोस्तों जो पश्चिमी लेखकों की हम बात करें ये इस बात पर जोर देते रहे पश्चिमी लेखक इस बात पर जोर देते रहे कि किस तरीके से भारतीय इतिहास में बहुत उपलब्धियां हासिल नहीं की लेकिन अंत तक आते आते जब इनके भी वर्णन आ गए अब ये इस बात पर जोर नहीं दे रहे थे कि सभी अच्छी वस्तुएं भारत में बाहर से आई हैं कुछ तो ये मानते थे लेकिन उस बात को पॉजिटिव जैसे आपको किसी की तारीफ नहीं करनी है ना आपको किसी की तारीफ आपको भले उसमें अच्छाइयां दिख रही है लेकिन आप फिर भी उसकी तारीफ नहीं करोगे बस यही थे ये लोग उपनिवेशवादियों को दिख तो रहा है कि हाँ सामने वाला ठीक है लेकिन उसके बाद भी ये पर ये इस पर विचार नहीं बात नहीं कर रहे हैं कि सारी जो अच्छी चीजें भारत में मौजूद है वह बाहर से ही आई तो है कि हाँ भाई की भी काफी सारी सभ्यता संस्कृति है लेकिन इन्होंने ये जरूर माना कि जो भी धार्मिक कर्मकांड है जो भी रीति रिवाज है वो भारत के ही है मतलब आप एक नेगेटिव पक्ष देख रहे हैं आपको पॉजिटिव पहलू से कोई मतलब नहीं है आपका अपना अपना अप्रोच होता है ना कि किसी को किसी काम में बहुत असंभव वाली चीजें दिखती है किसी को लगता है कि हाँ हम कर लेंगे जो सोचते हैं कर लेंगे वो कर ले जाते हैं तो बस यही बातें आपको याद रखनी है कि ये जो उपनिवेशवादी थे दोस्तों इनको क्या लगता था कि इंडियन हिस्ट्री में कोई बहुत ज्यादा जो पॉजिटिव चीजें नहीं है बाहर से आ, ये नहीं मानते कि सारी अच्छी चीजें बाहर से है लेकिन ये जरूर मानते हैं कि जो कर्मकांड है जो जाति प्रथा है जो वर्ण व्यवस्था है जो स्त्रियों की दुर्दशा है वो सारी चीजें इंडिया की ही हैं ये इनका मानना था ठीक है और वहीं पर ये जोर देते रहे आ राजनीतिक इतिहास में भी और राष्ट्रवादियों ने कि भारत का जो कल्चर है वह शुरू से ही कैसा था अच्छा था और हमें सुशासन की जानकारी भी थी ठीक है साथ ही साथ देखो उपनिवेशवादियों का ये मानना था कि भारत जो है जैसा है वैसा ही रहेगा इति, इसके इतिहास को बदला नहीं जा सकता जैसा था वैसा ही रहेगा एक नेगेटिव अप्रोच थी जैसा था वैसा ही रहेगा यानी इसके इतिहास को बदला नहीं जाता और ये मानता था कि यहां पर कुप्रथाएं हैं यह मानता था कि यहां पर प्रथाएं हैं मतलब ये बनी रहेंगी ये कभी खत्म नहीं होगी इसलिए भारतीय इतिहास किस कैसा है धार्मिक धारणाएं कर्म कांड जाति बंधत्व रूढ़िया ये भारत की मुख्य शक्ति हैं और इसलिए इसने कहा कि भारत जो है वह विकास की दौड़ में काफी पीछे है विकास की दौड़ में पीछे है क्लियर तो ये चैप्टर आपका यहां पर खत्म होता है इसका एक स्क्रीनशॉट लो अब हम आगे चलते हैं बच्चों स्रोत के प्रकारों पर कि आखिर आपको यह जानकारी कैसे मिली स्रोत के प्रकारों की हम बात करेंगे कि आखिर आपको यह सारी जो जानकारी है वह मिली कैसे है ये कौन सी एनसीईआरटी चल रहा है काजल ये आपका क्लास 11 का जो रामचरण शर्मा वाले आर एस शर्मा वाली जो एन आपकी प्राचीन भारत की ओल्ड एन है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इवन हर एक कॉन्सेप्ट में आपका मेंस का एक बढ़िया शानदार सा क्वेश्चन जो है वह छुपा हुआ है समझ में आया आप सभी को नहीं आया जल्दी से एक बार बता दीजिए चलिए अब हम आगे चर्चा करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तो अभी हमारी बात हो गई आधुनिक लेखक अब स्रोतों के प्रकार पे आ जाओ और इसमें हमने बात की उपनिवेशवादियों की दृष्टि से ठीक है राष्ट्रवादियों की दृष्टि से और उसके बाद में हमने चर्चा की कि आखिर उपनिवेश राजनीतिक इतिहास किस तरह से कल्चर की बात करता है अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण ठीक है तो देखो स्रोतों के प्रकार में यानी कैसे आपको जानकारी मिली इसके कुछ साधन होंगे कैसे आपको जानकारी मिली है प्राचीन इतिहास की कुछ तो साधन होंगे अब उस साधन में क्या क्या शामिल है उसे हम देख लेते हैं तो देखो कुछ भौतिक अवशेष रह गए कुछ भौतिक अवशेष जैसे कि हम टीलों की बात करेंगे अभिलेखों की बात करेंगे ठीक है कुछ ऐसे भौतिक जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता है आपने वहां पर खुदाई की और उससे आपको पता चल गया कि एक नहर निकल कर आ गई आपका भौतिक अवशेष मिल गया आप समझ गए कि प्राचीन भारत में लोगों को नहरों का ज्ञान था लोगों को कुंड का ज्ञान था लोगों को अन्न रखने के लिए उनके पास अन्नागार थे है ना उनके लिए भंडार ग्रह थे भौतिक अवशेष हो गया सेकंड है सिक्के सिक्कों का अध्ययन ठीक है सिक्के इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है कि उस वक्त कौन कौन से पशु होंगे जैसे अगर आप आज बा, बात करें तो कोई भी ऐसी हम एलियंस को तो छापते नहीं है हमारे नोट की अगर हम बात करें सिक्कों की बात करें हम कल्पनाएं नहीं छाप रहे हैं उस पर जो चीजें अवेलेबल हैं जो चीजें अवेलेबल हैं हमने उसको छापा है अगर आने वाली पीढ़ियों ने उन नोटों को ध्यान से देख लिया वो समझ जाएंगे कि ये जो पर्टिकुलर स्मारक दिख रहा है अगर अशोक अगर सांची के स्तूप दिख रहे हैं आप जो न्यू करेंसी आई है आप उसमें देखिएगा कहाँ कहाँ से जो चीजें हैं वह उसमें दिख रही है आपको वास्तुकला स्थापत्य कला के स्थापत कौन से चित्र हैं एक बार जरूर देखिएगा तो इसमें देखो कि यहाँ पे हमें पता चलता है कि कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा होती है हमारे जैसे से स्तंभ है आप जब वो हेड एंड टेल करते हैं तो उसमें क्या आपको तीन शेर दिखते हैं ठीक है ठीके? तो ये सारी चीजें आपका इतिहास ही तो बताता है तो हमें सिक्कों से पता चलता है भाई हमें सिक्कों से पता चलता है कि हमारा प्राचीन इतिहास कैसा था धर्म क्या था उसमें और हमें किन की जानकारी थी किन किन की जानकारी नहीं थी नेक्स्ट इसमें आता है अभिलेख अभिलेख पत्थरों पर लिखा हुआ है गुफाओं पर चित्र बने हुए हैं हमें उससे जानकारी मिल जाती है कि लोग भाग रहे थे भागते हुए उनके हाथ में एक भागते हुए लोग आगे एक जानवर बना हुआ है ठीक है और उनके हाथ में एक डंडा है या फिर कोई भी औजार है तो समझ गए कि ये इसका शिकार करने के लिए भाग रहे हैं डंडा लेकर भाग रहे हैं मतलब इनके इनको औजारों की जानकारी थी उस चित्र से हमें पता चल गया ठीक है नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है आपका साहित्यिक स्रोत साहित्यिक स्रोत महाभारत है पुराण है महाभारत पुराण वेदांग ये सारी चीजें क्या है साहित्य से अभिज्ञान शकुंतलम क्या है तो ये सारी चीजें क्या है साहित्यिक स्रोत है और फिर अब और भी तो लोग हमारे यहाँ आए थे ना विदेशी विवरण इससे हमें जानकारी मिलती है मेघास्थनिज की बात कर ले की बात कर ले फायान की बात कर ले तो विदेशी विवरण से हमें जानकारी मिलती है कि आखिर हमारे जो प्राचीन इतिहास है वह किस तरीके का था ठीक है तो पहली जानकारी आपकी किसकी हो गई भौतिक अवशेषों की हो गई भौतिक अवशेष जैसे कि भौतिक अवशेष यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा मैं भौतिक अवशेषों की कर देती हूँ जैसे कि आपने दक्षिण भारत में आपको पत्थर के मंदिर मिल गए दक्षिण भारत में आपको पत्थर के मंदिर मिल गए ठीक है जैसे लास्ट टाइम आपने देखा होगा आर्क्य जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा हम भी मंदिरों को प्रोटेक्ट किया गया था तो दक्षिण भारत में जो पत्थर के मंदिर मिले यानी भौतिक अवशेष है इससे हमें जानकारी मिलती है प्राचीन इतिहास की ठीक है और हमें इससे एक और जानकारी मिलती है कि हमारे पास जो कल्चर है हमारे पास जो संस्कृति है वह कई तरह की है हो सकता है कोई एक संस्कृति हो एकल संस्कृति हो हो सकता है बहुल संस्कृति हो बहुत सारे लोगों की संस्कृति मिक्स हो गई इतने सारे लोगों ने आक्रमण किए इतने सारे लोग भारतवर्ष में आकर बस गए उनका एक मिक्स कल्चर विकसित हो गया ठीक है उन सभी का जो कल्चर जैसे अभी आज हम गंगा जमनी संस्कृति की बात करते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि इस्लामिक और हिंदू धर्म की मिक्स चीज़ें आप देखते हैं तो ये क्या है एकल और बहुल कल्चर जो है वह विकसित होते गए ठीक है अब रामायण और महाभारत काल के जब टीले मिलते हैं उस पर जैसे आपको रथ मंदिर मिल गए आपने खैर नाम अलग अलग रख ली लेकिन आपको रथ के आकार की वो मूर्तियां दिखी आपको बाकी सारी चीजें दिखती आप आपने भौतिक अवशेषी थे आप पहचान गए कि ये किस तरह की व्याख्या की गई है ठीक है इसी तरह से देखो आपको 2500 सौ ईस्वी में भौतिक अवशेषों में और चीजें समझो कि आपको 2500 सौ ईस्वी में गंगा घाटी में कुछ अवशेष मिलते हैं और वहां से आपको संस्कृति की जानकारी मिलती है कि यहाँ पर कैसे नगर संस्कृति विकसित हुई बहुत ही अवशेष हो गया महापाषाण मैंने आपको पढ़ाया था महापाषाण में जब आपको महापाषाण मतलब क्या था इसका अर्थ बड़ा पत्थर है ना जब लोगों को दफनाया जाता था तो छोटे पत्थरों से तो दबेंगे नहीं बड़े बड़े पत्थरों से दफनाया जाता था और कई बार जो सामूहिक कब्रगाह है वह भी बनाई जाती थी मतलब जैसे राजा है राजा के साथ और भी जो लोग हैं उनको दफना दिया जाता था ठीक है राजा के साथ और भी ऐसा नहीं मार्ग दफनाया जाता था और मतलब एक साथ एक सामूहिक कब्र मना दी कि अब राजा के जो संबंधित लोग हैं वह मरेंगे तो उनको इस इस वाले कब्रगाह में आपको दफनाना है तो देखो महापाषाण जो है इस पे आपको लोहे के औजार साथ में मिल गए आप समझ गए कि इस वक्त क्या है लोहे का ज्ञान लोगों को था लोहे का औजार इस चैप्टर के लास्ट लास्ट तक आप जानते हैं एक बात को समझेंगे कि आप जितना साहित्यिक स्रोतों पर जाएंगे जैसे महाभारत है या फिर पुराण है ठीक है तो आप लोग आज के पुराण हो सकता है हमारे आने वाली पीढ़ी पढ़े कि केवल आठ पुराण थे कहीं गलती से एक हट जाए तो यहां पर ये बात बहुत ज़्यादा स्पष्ट आप सभी को समझनी है कि भौतिक अवशेष जो है वह ज्यादा विश्वसनीय है आपको हिस्ट्री बताने की ना कि आपकी दंत कथाएं ना कि आपकी दंत कथाएं ठीक है ना कि आपकी दंत कथाएं आपको आपके इतिहास से परिचय कराएंगी तो आप, आपके जो अभिलेख हैं या सिक्के हैं ये सारी चीजें आपको ज्यादा जानकारियां देगी और आपको ऑथेंटिक जानकारियां देगी वजह इसके कि आपको पता है कि भाई किस तरीके से महाभारत की दंत कथाएं जुड़ गई प्राचीन कथाएं जुड़ गई चलो एक स्क्रीनशॉट इसका लो आगे चलते हैं अब इसमें हम थोड़ी सी बच्चों रीडिंग करने वाले हैं सिक्के अभिलेख थोड़ा थोड़ा बताते जाऊंगी ठीक है तो इसमें भौतिक अवशेष हो गए अब सिक्के और अभिलेख पर हम बात करते हैं थोड़ा सा भौतिक अवशेष को ब्रीडिंग करते हैं प्राचीन भारत के निवासियों ने अपने पीछे अनगिनत भौतिक अवशेष छोड़ दिए दक्षिण भारत में पत्थर के मंदिर और पूर्वी भारत में ईंटों के विहार आज भी धरातल पर देखने को मिलते हैं और उस युग का स्मरण कराते जब देश में भारी संख्या में भवनों का निर्माण हुआ था परंतु इन भवनों के अधिकांश अवशेष सारे देश में बिखरे अनेक अनेक टीलों के नीचे दबे हुए हैं यह टीला धरती की सतह के उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुराने के अवशेष है अब आप देखो आपको एक वर्ड मिल गया जो कि है टीला यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि टीले से क्या मतलब है टीले से क्या अर्थ है ठीक है ये आपको एनसीआरटी का मेन इंपॉर्टेंस है बच्चों टीला क्या है उभरा हुआ भाग धरती की सतह पर हुआ भाग यह <coughs> कई प्रकार का हो सकता है एकल मुख्य सांस्कृतिक और बहु सांस्कृतिक एकल सांस्कृतिक टीलों में सर्वत्र आपको एक ही संस्कृति दिखाई देगी कुछ टीले केवल चित्र दूसरे मृद अर्थात जो पेंटेड ग्रे वे, वेयर है इसका घोतक है कुछ सातवाहन संस्कृति कुछ कुशाण संस्कृति के मुख्य सांस्कृतिक टीलों में एक संस्कृति की प्रधानता रहती है अन्य संस्कृतियां जो पूर्व काल की भी हो सकती हैं और उत्तर काल की भी विशेष महत्व नहीं होता बहु सांस्कृतिक टीलों में उत्तरोत्तर अनेक संस्कृतियां पाई जाती हैं जो कभी कभी एक दूसरे के साथ चलती हैं रामायण और महाभारत की भांति खोदे गए टीलों का उपयोग हम संस्कृति के भौतिक और अन्य पक्षों को क्रमिक स्तरों को उजागर करने के लिए कर सकते हैं तो ये हो गया आपका भौतिक अवशेष अगर आपको समझ में नहीं आ रहा केवल सुन लो ठीक है बुक रीडिंग करा तो रही हूँ नेहा मैम प्लीज बुक रीडिंग करा दीजिए खुद भी कर हम खुद नहीं कर पाएंगे क्या कर, लिख रही हैं आप अच्छा मैं करा दूंगी तो अच्छे से समझ में आएगा हाँ सारी चीजें देखो फ्लो चार्ट तो बनवा ही रही हूँ लेकिन देखो क्या है कि कई कई ना इसमें पैराग्राफ्स बहुत बड़े बड़े हैं अगर मैं पढ़ूंगी आप सभी सो जाएंगे ठीक है समझाने का जहां पर होगा फ्लोचार्ट में मैंने आपको उन बातों को समझा दिया है और जिन बातों को समझा दिया उसकी रीडिंग नहीं करूंगी क्लियर उसकी रीडिंग नहीं करूंगी बच्चों आप थोड़ा सा कुछ नई इंफॉर्मेशन आपके पास भी तो बची रहे चलो हम सिक्कों की बात करते हैं तो देखो जब हम सिक्कों की बात करेंगे तो आपको याद रखना है कि इसका जो अध्ययन है उसे हम क्या कहेंगे न्यू मिसमेटिक्स ठीक है न्यू मिसमेटिक्स जो है वह मुद्रा शास्त्र होगा और पुराने सिक्के जो है वह तांबे के मिले आपको चांदी के मिले सोने के सिक्के मिले यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन शासकों के द्वारा चलाए गए थे सर्वप्रथम किसके द्वारा चलाए गए थे सबसे ज्यादा मात्रा में किसके द्वारा चलाए गए थे बोथ आर डिफरेंस दो अलग अलग फैक्ट है आंसर करो जल्दी से सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है और आजकल की तरह प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा तो नहीं थी हाँ भाई धातु मुद्रा थी चाहे पकाई गई मिट्टी हो सांचे हो तो ये बड़ी संख्या में मिलते हैं आपको कुषाण काल में ठीक है कुषाण काल में सबसे ज्यादा आपको मिलते हैं गुप्त उत्तर काल तक ये जो सांचे हैं वह लुप्त हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये सिक्कों की जानकारी मिलती है और देखो मेन जो सिक्के हैं है वे आपको आर्थिक इतिहास बताते हैं सिक्के आपको आर्थिक इतिहास की जानकारी देते हैं लेकिन इसके अलावा ये आपको कला और धर्म भी बताते हैं कला पक्ष और धर्म भी बताते हैं क्यों धर्म क्यों बताते हैं कि जैसे आप किसी देवी देवता का चित्र था आप जिस चीज को पूछते रहिए क्या आप उसको सिक्के पे बना सकते हैं सिक्के पर आपको अभी क्या दिखता है चलो ठीक है हम पूछते नहीं अशोक स्तंभ को हमारा नेशनल एम्बलम तो है ना तो इस तरह से दोस्तों आपको चीजें याद रखना है कि अगर वो सिक्के में है यानी इंपॉर्टेंट है अगर किसी देवी देवता का चित्र बना हुआ है है ना मतलब उसकी पूजा दैट टाइम होती रही होगी आपने सिक्के पर कुत्ते को तो नहीं देखा होगा नहीं देखा ना और भी जो आपने विभिन्न धर्म चिन्ह देखे उससे आपको बाकी जानकारी दिख गई बाकी जानकारी मिल गई तो सिक्के एक अच्छा स्रोत है कि आप, आप प्राचीन भारतीय इतिहास को समझ सके गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए याद रखना तो आपको इससे तात्कालिक जो देवी देवता हैं इनकी जानकारी मिल गई सो तो धर्म का भी प्रतीक हो गया एक तरह से आपको पता चल गया कि अगर कुषाण वंश इनके द्वारा किसी पर्टिकुलर देवी देवता को बना गया होगा उनके चित्र मिल गए ठीक है बाकी जो शासक आते हैं उनके सिक्के अलग तरीके थे उनके सिक्के अलग धातुओं के तो, तो आपको धातुओं की भी तो जानकारी मिल गई आपको विकास का भी तो पता चल गया आपको धातु की जानकारी मिल गई कि लोगों को सोने की जानकारी थी या नहीं थी चांदी की जानकारी थी या फिर नहीं थी केवल मिट्टी के सिक्के थे केवल शैलखेड़ी के सिक्के थे तो ये सारी जानकारियां आपको सिक्कों के अध्ययन से मिल गई सेकेंड आपका सोर्स चलो अब तीसरे सोर्स की हम बात करते हैं ये कुछ पढ़ लीजिएगा आप दोस्तों अब हम आते हैं अभिलेख पर अभिलेख पर हम आते हैं सिक्कों से भी कहीं अधिक महत्व के अभिलेख अब जैसे अशोक के अभिलेख जेम्स प्रिंसेप ने जब पढ़े तो उसको पता चला कि अशोक के अभिलेखों में लिखा हुआ है प्राणी मात्र पर भई दया करो कर्मकांड मत करो अपने घर में जरूरी नहीं कि बच्चे का डस्टोन आपको मनाना है जैसे आजकल दस्टोन बोलते हैं आप पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे हर एक जगह पर हमारी तरफ से दस्टोन ही बोला जाता है तो आप इस तरह के काम ना करें आप क्या करें गरीबों की मदद कर ले आप कर्म कांड पर ध्यान ना दें आप इस तरह के जो सामाजिक जबरदस्ती के एक प्रतिष्ठा के अनुष्ठान करते हैं वो सारे अनुष्ठान आप ना करें आप अपने नौकरों के साथ अच्छा बर्ताव करें तो आपने कई आपने शिलालेख अभिलेखों की जब चर्चा हम अशोक की पढ़ते हैं लास्ट टाइम यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था आ, कि अगर आप अपने धर्म को सर्वोपरि रखते हैं दूसरे के धर्म की निंदा करते हैं तो वो आपके धर्म के लिए ही घातक है ठीक है आप धर्मांध्र हो रहे हैं उसके लिए वो आपके धर्म के लिए ही घातक है ये चीज किसने कही थी अशोक ने कही थी एनसीआरटी में लिखी हुई है क्लास नंबर सिक्स की जो न्यू एनसीआर है तो अब न्यू से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं लेकिन अगर आप ओल्ड दोस्तों ये पढ़ते हैं तो इस हर एक पॉइंट में मैं फिर से वही बात कहूंगी एक एक पैराग्राफ में मेंस का एक अच्छा क्वेश्चन छुपा हुआ है चलो सिक्कों से कहीं अधिक महत्व अभिले के इनके अध्ययन को हम पुरालेख शास्त्र कहते हैं और इनके दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को हम पुरालिपि शास्त्र कहते हैं ठीक है पेलियोग्राफी अभिलेख मोहर प्रास्तर स्तंभ स्तूप चट्टानों ताम्रपत्रों पर मिलते हैं पहले तो चट्टान देखो आरंभिक अब आपको यहाँ पर दो बातें याद रखनी है कि किन धातुओं पर मिलते थे ठीक है तो शुरुआत में चट्टानों पर लिखे होते थे शुरुआत में अभिलेख मतलब किसी कठोर धातुओं पर खोद कर लिखे हुए शब्द ठीक है अभिलेख हो गए प्रारंभ में केवल पत्थर अवेलेबल तो, तो उसी पर लिखवा दिए उसके बाद हमारे पास ताम्रपत्र आ गए तांबे के पत्ते आ गए ठीक है ताम्रपत्र हमने उस पर उभरवा दिए उभार दिए उस पर हमने तो ये आपके अभिलेख हो गए मंदिर की दीवारों ईट या मूर्तियों पर भी लिखे होते थे समग्र देश में देखो आप आरंभिक अभिलेख अब यहां पर आपको याद रखना है अगर प्रश्न आ जाए कि आरंभिक अभिलेख आपको ताम्रपत्र पर मिलते हैं बाद के अभिलेख आपको चट्टानों पर मिलते हैं तो वो तो विकास क्रम ही गलत हो गया ना पहले पत्थरों पर लिखना सीखे होंगे बाद में ताबे का आविष्कार हुआ होगा या बाद में आपको उसकी जानकारी मिली होगी ठीक है तो यहां पर आपको इन बातों का याद रखना है कि आरंभिक में आपने क्या यूज किया और आपने उसके बाद में क्या यूज किया समझे किंतु ईसा के आरंभिक शतकों में इस काम में ताम्रपथों का प्रयोग आरंभ हुआ तथापि पत्थर पर अभिलेख खोदने की परपाटी दक्षिण भारत में व्यापक स्तर पर जारी रही दक्षिण भारत के मंदिर दीवारों पर स्थायी स्मारकों के रूप में भारी संख्या में जो अभिलेख है वह गए ठीक है तो ये हो गए दोस्तों अभिलेख जिसे हम एपिग्राफी कहते हैं काफी संख्या में ये मिलते हैं अब नेक्स्ट है देखो अच्छा कुछ और बातें मैं आपको इसमें बता देती हूँ इसके साथ साथ अभिलेख के साथ कुछ और बातें भी सुनो कुछ और जानकारियां अभिलेख पहली जो जानकारी है आरंभिक और बाद की ठीक है आरंभिक जो अभिलेख है वह आपको चट्टानों पर मिले और किस भाषा में मिले प्राकृत भाषा में और प्राकृत भाषा में ठीक है बाद के जो अभिलेख हैं वो आपको ताम्रपत्रों पर मिले वो आपको ताम्रपत्रों पर मिले और वो प्राकृत नहीं वो आपको संस्कृत भाषा में मिले वो आपको संस्कृत भाषा में मिले जब हम हड़प्पा काल के अभिलेखों की बात करते हैं कल का हमारा चैप्टर होगा बच्चों हड़प्पा तो हड़प्पा काल के जो अभिलेख हैं, उन्हें पढ़ा नहीं जा सका ठीक है ये क्या है पठनीय नहीं है पठनीय नहीं थे इन्हें पढ़ा नहीं जा सका और जब हम अशोक के शिलालेखों की बात करेंगे किस किस लिपि में मिलते हैं अशोक के शिला लेख खूब क्वेश्चन आ, आ चुके हैं अशोक के जब हम शिला की बात करेंगे दोस्तों तो देखो ये आपको ब्राह्मी लिपि में भी मिले हैं और खरोष्ठी लिपि में भी मिले हैं ब्राह्मी और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं याद रखना कि ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि किस तरफ से किस तरफ लिखी जाती है अब देखो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बात करते हैं वर्तमान पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को तो भाई मुद्दा ही बड़ा सेंसिटिव हो गया है और अफगानिस्तान ठीक है पाकिस्तान और जब हम अफग़ानिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर अशोक के शिलालेख की जो लिपि है अशोक के शिलालेख की कौन सी लिपि है शिलालेख यूनानी और आरमाइक यूनानी और आरामिक ठीक है ये लिपि है अब देखो गुप्त काल के अंत तक आप गुप्त काल का भी जान लो थोड़ा सा किस काल में किस लिपि के अभिलेख मिले और उन अभिलेखों में लिखा हुआ क्या था ये किस तरह का वर्णन हो रहा था काफी इंपॉर्टेंट है समझना आपको गुप्त काल के अंत तक ब्राह्मी लिपि महत्वपूर्ण हो चुकी थी गुप्त काल के आप देखो अंत तक है या प्रारंभ तक है दैट इज इंपॉर्टेंट ब्राह्मी जो लिपि है वह आई हो चुकी थी इंपॉर्टेंट हो चुकी थी और जब हम मेरठ और टोपरा के अभिलेखों की बात करते हैं मेरठ और टोपरा ये अभिलेख दोनों संबंधित तो अशोक के हैं ठीक है लेकिन इसकी जो जानकारी है लेकिन इनकी जो जानकारी है वह किसने की थी फिरोज शाह तुगलक इसके काल में जानकारी फिरोज शाह तुगलक के काल में होती है और 1837 में 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को समझने में सफलता प्राप्त की यह यूपीएससी ने आपसे पूछा था 1837 में कौन सा व्यक्ति था जेम्स प्रिंसेप जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के लेखों को पढ़ा ठीक है क्लियर अब लास्ट आपका बचता है साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण पहले मैं आपको थोड़ा सा साहित्यिक स्रोत के बारे में बताऊंगी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो समझ में आ रहा है आप सभी को चलिए अब देखो नेक्स्ट है आपका पहले मैं साहित्यिक बता देती हूं आपको ठीक है फिर उसके बाद हम विदेशी विवरण पर आते हैं साहित्यिक स्रोत मतलब क्या लिटरेचर था उस वक्त हमारा हमें उससे जो जानकारी मिलती है साहित्यिक स्रोत और इसमें मेन क्या क्या है साहित्यिक स्रोत में जैसे कि महाभारत पुराण वेद कितनी संख्या है वेद की महाभारत पुराणों की संख्या ठीक है रामायण ये सारे जो हमारे स्रोत हैं, उसे हम साहित्यिक स्रोत के रूप में जानते हैं और इससे भी हमें प्राचीन भारत के काफी जानकारी मिलती है सो so, नेक्स्ट दोस्तों इसमें कि हमें ऋग्वेद की जब हम बात करेंगे ऋग्वेद का क्या, काल क्या है ऋग्वेद की रचना होती है 1500 से 1000 ईसा पूर्व ईसा पूर्व और ईसवी जिस बच्चे को समझना हो आरोहण का जो मेरा डे का क्लास था उसमें मैंने शुरुआत यहीं से की है चूंकि क्लास सिक्स की एनसीआरटी में सबसे पहले आपको यही समझाया गया है ठीक है एक बार सभी बच्चे क्लास को शेयर कीजिए और बच्चे प्लीज आप अपनी कॉन्टिन्यूटी बनाए रखें पढ़ो थोड़ा सा ठीक है ऋग्वेद 1500 से लेके एक हजार ईसा पूर्व ऋग्वेद हो गया और जब हम बात करेंगे बाकी वेदों की वेद, यजुर्वेद, इसमें किस किस का वर्णन है यजुर्वेद ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद इन सभी की रचना एक काल में होती है और वो समय था हजार से लेके 500 सौ ईसा पूर्व तक एक हजार से लेकर 500 सौ ईसा पूर्व तक ठीक है अब फिर देखो हम वेदांगों की बात करते हैं वेदों को समझने के लिए जो इसके बाद में लिखे गए वह वेदांग वेदों को समझने के लिए और इससे संबंधित जो रचनाएं हैं वेदांगों में थी कितने वेदांग हैं? छः कौन कौन से शिक्षा कल्प व्याकरण यूपीएससी ये भी पूछ चुका है दोस्तों शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष निरुप लास्ट है आपका ज्योतिष ठीक है चलो यही लिख देती पाणनी की व्याकरण पाण्डनी की व्याकरण ये भी आ चुका है पाड़नी साहब ने व्याकरण लिखी थी लगभग 400 सौ ईसा पूर्व दो बातें ही इंपॉर्टेंट है कि कोई पर्टिकुलर रचना किसने लिखी और किस काल के आसपास लिखी ठीक है वर्णन क्या है ये तो बात की बातें हैं। फिर नेक्स्ट है आपका इसमें कि देखो महाभारत और रामायण का जो काल है वो भी 400 सौ ईसा पूर्व के आसपास है महाभारत और रामायण ये भी कहां के हैं 400 सौ ईसा पूर्व के आसपास के हैं और देखो महाभारत को हम क्या कहते हैं महाभारत को शत सहस्त्री सहिता शत सहस्त्री सहिता महाभारत को हम कहते हैं महाभारत में लगभग जोड़ते-जोड़ते चौबीस हजार जो श्लोक हैं है वह माने जाते हैं ठीक है चौबीस हजार जो श्लोक है दोस्तों ये माने जाते हैं ये आपके साहित्यिक स्रोत है कुछ और इसके बारे में वर्णन है जो मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ चलिए जैसे कि देखो नेक्स्ट जो आपका वर्णन है इसी संबंध में कि जैन और बौद्ध ग्रंथ जैन और बौद्ध ग्रंथ जैन और ग्रंथ। चैप्टर नंबर टेन काफी इंपॉर्टेंट है जैन और बौद्ध वाला उसे हम समझेंगे सो बच्चों कंटिन्यूटी अपनी बनाए रखना जैन और बौद्ध ग्रंथों की हम बात करेंगे तो याद रखना कि जो प्राचीनतम ग्रंथ है वह पाली भाषा में है प्राचीनतम जो है वह पाली भाषा में है ठीक है और साथ ही देखो जब हम बात करेंगे किसकी जैन और बौद्ध ग्रंथों की तो इनसे ना केवल बुद्ध की जानकारी आपको मिलती है ना केवल आपको बुद्ध की जानकारी बल्कि शासकों के बारे में भी जानकारी मिलती है बल्कि शासकों की जानकारी भी मिलती है आपको ठीक है बल्कि शासकों की भी जानकारी जो है वह मिलती है और जो जातक कथाएं आप सभी ने सुनी होगी जातक कथाएं इसमें पुनर्जन्म की बात बताई गई है पुनर्जन्म की बात बताई गई है याद रखना कि भगवान बुद्ध के अनुसार मतलब भगवान बुद्ध का जो ये बुद्ध वाला जन्म था इससे पूर्व पांच जन्म ले चुके थे 550 जो वो जन्म है वह ले चुके थे इन सभी की बात जातक कथाओं में की गई है ठीक है अब देखो पाली भाषा के तो बौद्ध थे जब हम जैन ग्रंथों की बात करते हैं स्पेशली बच्चों तो जैन ग्रंथ आपके प्राकृत भाषा के हैं जैन ग्रंथ आपके कौन से भाषा में ज्यादा लिखे गए साहित्य प्राकृत में पाली भाषा आपका बौद्ध का होगा ठीक है अब यहीं पर देखो कौटिल्य की अर्थशास्त्र छोटा सा एक और पॉइंट है यहीं पर बता देती हूं कि जब हम अर्थशास्त्र मतलब आर्थिक नहीं है राजनीति है कौटिल्य की अर्थशास्त्र कौटिल्य के और नाम क्या थे कौटिल्य की अर्थशास्त्र और इसमें बात की गई है मौर्य समाज की मौर्य समाज की समाज के साथ साथ अर्थतंत्र की कि वहां की अर्थव्यवस्था कैसी थी अर्थतंत्र की वहां पर बात की गई है ठीक है वैसे ही जब हम कालिदास की बात करेंगे तो कालिदास से भी काफी जानकारी मिलती है कालिदास बानभट्ट भास शूद्रक इन सबकी रचना ठीक है तो ये है आपका साहित्यिक स्रोत समझ में आया स्क्रीनशॉट एक बार इसका ले लीजिए लास्ट आपका टॉपिक इसका बचा हुआ है विदेशी विवरण लास्ट इसका आपका टॉपिक बचा हुआ है विदेशी विवरण ठीक है विदेशी विवरण मतलब जो यूनानी रोम चीन यहां से जो विदेशी आए थे उन्होंने क्या विवरण लिखा उनकी हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं ठीक है थीके? अब पांचवा आपका स्रोत है विदेशी विवरण एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई इसका तो अब जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि जो निकोलस कोंटी है वह कहाँ का था इतनी इतावली नागरिक था विदेशी विवरणों का को देशी साहित्य का अनुपूरक बनाया जा सकता है पर्यटक बनकर भारतीय धर्म को अपनाकर अनेक यूनानी रोम चीनी यात्री भारत आए अपनी आंखों से देखे भारत के विवरण लिख छोड़े ध्यान देने योग्य बात है कि भारतीय स्रोतों में सिकंदर के हमले की कोई जानकारी नहीं मिलती उसके भारतीय कारनामों के इतिहास का पुनर्निर्माण के लिए हमें पूर्णतः यूनानी स्रोतों पर आश्रित रहना पड़ता है ठीक है यूनानी लेखकों ने 326 ईसा पूर्व कुछ कुछ तिथियां याद रखना 326 पूछी गई कुछ देखो कुछ तिथियां इन्फॉर्मेशन भी यूपीएससी पूछता है याद रखना 326 ईसा पूर्व भारत पर हमला करने वाले सिकंदर महान के समकालीन के रूप में सेंड्रोकोटस के नाम का उल्लेख मिलता है हम समझ गए कि शायद सेंड्रोकोटस जो है इसी का उपनाम होगा यह सिद्ध किया गया कि यूनानी विवरणों में यह और चंद्रगुप्त तो मौर्य जिसके राजारोहण की तिथि लगभग 322 ईसा पूर्व निर्धारित की गई एक ही व्यक्ति था ठीक है क्या कहा गया कि जो सेंड्रोकोट्स और चंद्रगुप्त तो मौर्य जिसके राजारोहण की तिथि 322 थी अब देखो यहां पर क्या उल्लेख मिल रहा है सिकंदर महान का समकालीन था अच्छा सेंडो कोट कौन है सिकंदर महान का समकालीन था और जो ये तिथि है वह चंद्रगुप्त मौर्य की थी तो कहा कि यह सेंडोकोट से क्या है चंद्रगुप्त मौर्य है यह पहचान प्राचीन भारत में तिथि क्रम के लिए सुदृढ़ आधारशिला बन गई अगर आपको तिथियां सेम मिल जाती है ना कि किसी ने वर्णन कर दिया आपको तिथि वह सेम मिल गई आप उस चीज से समझ गए कि अच्छा ये इसके समकालीन रहा होगा और इसका नाम जैसे आप कहीं अशोक का नाम लिखा था देवनाम प्रिय आपको उसके बाकी काम समान मिल गए आपको बाकी जगह पर उसके जो काम लिखे हुए थे शिलालेखों पर और उसमें कोई सिमिलरिटी दिख गई तो आपने कहा इस शिलालेख में अशोक के नाम अशोक को देव नाम प्रिय कहा गया क्या पता किसका किसके लिए लिखा हुआ था लेकिन हमने कहा अशोक के लिए था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आए जो मेघास्त की इंडिका है देखो किससे कहा किसे नहीं पता भाई मेघास्त की इंडिका कितने दफा पूछ लिया गया ये इन उद्रणों के रूप में सुरक्षित है अनेक प्राख्यात लेखकों की रचना में आए हैं इन उद्रणों को एक साथ मिलाकर पढ़ने पर ना केवल मौर्य शासन व्यवस्था के अब मेघास्त की इंडिका किस शासन के बारे में बताती है मौर्य शासन की जानकारी ये देती है बल्कि मौर्य कालीन सामाजिक वर्गो और आर्थिक क्रियाकलापो के बारे में भी मूल्यवान जानकारी मिलती है इंडिका अतिरंजित बातों से मुक्त नहीं है पर ऐसी बातें तो अन्य अन्योन प्राचीन विवरणों में भी पाई जाती हैं ईसा की पहली और दूसरी सदियों के यूनानी और रोमन विवरणों में भारतीय बंदरगाह का उल्लेख मिलता है और भारत तथा रोमन साम्राज्य के बीच में होने वाले व्यापार और वस्तुओं की चर्चा भी की गई है ठीक है तो ऐसा नहीं अतिरंजित बातें अरे भाई प्राचीन भारत की अगर हम बात करें प्राचीन भारत की अगर हम बात करें प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करें तो देखो अब जो कपोल कल्पनाएं कहे केवल दतिया कहें जो बन गई तो बन गई ठीक है कि एक व्यक्ति की महाराणा प्रताप की जो तलवार है उसमें इतनी शक्ति थी कि वह अपनी एक तलवार में बारह लोगों को निपटा देते थे एक साथ ठीक है तो इस बहुत सारी इस तरह से आपको अतिशयोक्तिपूर्ण जो बातें हैं वो आपको लगभग सभी इतिहास के जो भी वर्णन आपके सामने मौजूद है उन सभी में मिलती है नेक्स्ट देखो यूनानी भाषा में लिखी गई जो अः पेरूप्लस ऑफ द एरिथ्रिशियन एरिथ्रियन सी है और टॉलेमी की ज्योग्राफी नामक पुस्तक इसमें भी प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन के लिए सामग्री मिल जाती है पहली पुस्तक 80 और 115 ईसवी के बीच में किसी समय किसी अज्ञात लेखक ने लिखी जिसमें लाल सागर फारस की खाड़ी हिंद महासागर से होने वाला रोमन व्यापार का वृत्तांत दिया दूसरी पुस्तक 150 ईसवी के आसपास मानी जाती है पिल्ली की नेचुरल हिस्टोरिका पिल्ली की नेचुरल हिस्टोरिका ईसा की पहली सदी की है लैटिन भाषा में है और भारत और इटली के बीच में होने वाले व्यापार की जानकारी है चीनी पर्यटकों में देखो फाहियान और हिवेनसांग दोनों बौद्ध थे और बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने आए थे अच्छा आपको नालंदा पता है एक ने जानकारी दी कि लगभग नालंदा में तीस हजार लोग रहते होंगे दूसरे ने कहा कि अगर हम पूरा इसकी जमीन देखें इसके रहने की जगह देखें शायद इसमें केवल पंद्रह सौ या तीन हजार लोग ही आए डेढ़ लाख तो ज्यादा हो रहा है दस हजार तो ज्यादा हो रहा है फिर एक इसमें वर्णन देता है कि लगभग सौ गाँव से राजस्व जुटता था तब जाके नालंदा का खर्च निकलता था इस तरह से जानकारी आपको फाहयान और में मिलती है क्योंकि ये बौद्ध थे और जो आपका नालंदा है वह जुड़ा हुआ था उस धर्म से फाययान ईसा की पांचवी सदी में अब देखो आपको या, क्या याद रखना है देश कौन सा है किस देश से यात्री किस देश का था तिथि और एक क्रम क्रम में पहले कौन था बाद में कौन आया क्रम का मतलब होता है पहले और बाद में ठीक है जैसे यहां पर हमने देखा कि क्या ये दोनों समकालीन थे फायन या फिर अंतर था सातवीं सदी के और जो है वह सातवीं सदी के दूसरे चतुर्थांश में आया तो देखो पहले कौन आ चुका था भाई पहले फाहियान था फिर वनशांग था एक पांचवी में आया एक सातवीं में आया ठीक है एक जब हम फाहियान की बात करेंगे वेनशांग की बात करेंगे पांच में और वेनसांग जो है वह सात में आया तो इस तरह के जब आप कोड वर्ड बच्चों लिख लेंगे आप चीजें कभी नहीं भूलेंगे फाहियान ने गुप्तकालीन भारत की सामाजिक धार्मिक आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला आपको वर्णन मिलेगा फाहियान ने मौर्य काल की भारत की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति थी राजनैतिक स्थिति थी उस पर प्रकाश डाला वो गलत हो गया तो वेनसांग ने इसी प्रकार की जानकारी हर्षकाल की दी अब इसी को अपोजिट कर दिया जा फायन ने हर्षकाल की जानकारी दी और गुप्तकाल की जानकारी वेनसांग ने दी तो गलत हो गया यही के यही गलत हो गया आपको कहीं दूर नहीं जाना गलती करने तो जितना ध्यान से पढ़ लोगे जितना समझ लोगे उतना आपके काम का है बच्चों आप देखो तो ओवरऑल इस पूरे चैप्टर का सारांश क्या है भूल ही गए होंगे मैम कौन सा चैप्टर पढ़ा रही है कौन सा चैप्टर है आपका स्रोतों के प्रकार है ना टाइप ऑफ जो आपके सोर्सेस है तो ओवरऑल इसकी जानकारी ये जो हमने अब तक ली उसका सारांश यह है कि इतिहास निर्माण के लिए ग्रंथ सिक्कों अभिलेख पुरातत्व आदि से निकली सारी सामग्री का ध्यान से संकलन होना परम आवश्यक है बताए देखो इतिहास भी क्या है कि जरूरी नहीं आपको अभी भी आधुनिक में अगर आप चार किताबें देखेंगे अलग अलग जानकारियां अलग अलग नाम हो सकता है किसी के पिता का नाम चेंज हो किसी के वंश कुल का नाम चेंज हो तिथियां अलग अलग हो है ना जैसे सिकंदर के आने जाने की तिथि है कई जगह आपको अलग दिख जाएगी चंद्रगुप्त की तिथि है वो आपको अलग दिख जाएगी चंद्रगुप्त मौर्य का वंश कहीं आपको क्षत्रिय दिखेगा कहीं आपको शूद्र दिखेगा तो इस तरह की जो बातें हैं वो आपको आज भी अलग अलग दिखती है विभिन्न इतिहासकारों के मत अलग अलग है तो अगर आपको इतिहास को अच्छे से संकलित करना है तो आपको अध्ययन करना होगा है ना तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ग्रंथ सिक्के अभिलेख पुरातत्व इससे जो सारी जानकारियाँ निकली हुई हैं उसका संकलन करना परम आवश्यक है और इसमें यह भी बताया जा चुका है कि इसमें विभिन्न स्रोतों के अपेक्षित महत्व की समस्या खड़ी हो जाती है जैसे कि सिक्के अभिलेख और पुरातत्व उन मिथक से ज्यादा मूल्यवान है जो हमें रामायण महाभारत और पुराणों में मिलते हैं हमने कहा कि पुराण के अनुसार भगवान के इतने रूप हैं ठीक है कितनी पुराण है विष्णु पुराण है मत्स्य पुराण कच्छ पुराण है भगवान के अवतारों की इसमें बात की गई है तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हो सकता है गलत हो मिथक हो लेकिन अभिलेख पु, और पुरातत्व और जो सिक्के हैं वो गलत नहीं बोले क्योंकि वो आपके सामने भौतिक रूप से मौजूद हैं लेकिन जो कथा कहानियां अपने बच्चों को या फिर नाना नानी हमें सुनाते हैं वो कितनी सही है इस बात की कोई प्रमाणिकता नहीं है पौराणिक मृतक प्रचलित मानकों का समर्थन करते हैं लोकाचार को वैध बताते हैं कि भाई ऐसा ही होता आया है और जाति और अन्य सामाजिक वर्गों में संगठित लोगों के विशेषाधिकारों आपात्रताओं को न्याय उचित ठहराते हैं कि देखो वेदों में ये कहा गया है कि जो ब्राह्मण है उनका उत्पत्ति ईश्वर के कहा से हुआ है भगवान के सिर से हुआ है फिर इस तरह से आपने देखा होगा कि किस 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 तरीके से आगे वर्ण व्यवस्था को जो उन्होंने न्यायोचित ठहराया तो इन्होंने उन्होंने वेदों को पुराणों को एक आधार मान लिया अपनी मिथक अपनी परंपराओं को जस्टिफाई करने का ठीक है परंतु उसमें वर्णित घटना जैसे अच्छा वेद क्या कहते हैं वेद क्या कहते हैं कि जो शिक्षा है वेदों में भी मतलब कहा गया है इसका सहारा लेके यही प्राचीन काल में स्त्रियों को बहुत ज़्यादा पढ़ाने के लिए कोई इंकरेज नहीं किया जाता था एक दो आपको गार्गी वगैरह के नाम मिलते हैं विदुषी के वह सारे विद्वान ये लड़कियाँ पढ़ना नहीं जानती थी महिलाएं नहीं जानती थी क्या उस वक्त पढ़ना तो उन्हें इजाज़त नहीं थी और उनसे ये मतलब ये कहा जाता था जब हम प्राचीन और मध्यकाल की बात करते हैं कि अगर स्त्रियाँ पढ़ती लिखती हैं तो उन्हें ईश्वर वैधव्य का श्राप देते विडोहुट का श्राप देते हैं ठीक है ये कहा जाता था So, विशेष अधिकार और अपात्रताओं को न्याय उचित ठहराते हैं संगठित लोग इन सामाजिक वर्ग ये जाति ये जो लोकाचार जो मान्यताएं हैं उसे वो उचित ठहराते हैं जैसे कि शास्त्र की आड़ में हत्या की संज्ञा सती प्रथा कहते हैं कि लिखा हुआ है कि अपने पति के साथ जल जाओ ठीक है उसमें वर्णित घटनाओं को यू ही सही नहीं मान लिया जाता अतीत के प्रचलन की व्याख्या उसमें वर्तमान अवशेषों से आदिम जनों के अध्ययन से प्राप्त अंतर्दृष्टि से की जा सकती है कोई भी ठोस ऐतिहासिक पुनर्निर्माण अन्य प्राचीन समाज में होने वाली हलचल से आंखें मूंद नहीं सकता तुलनात्मक तो दृष्टि को अपनाने से प्राचीन भारत में पाए जाने वाले किसी बात को विरल या अभूतपूर्व मान लेने का दुराग्रह दूर हो सकता है और अध्यताओं को ऐसी प्रवृत्तियां भी दिखाई दे सकती हैं जो अन्य देशों के प्राचीन समाजों की प्रवृत्तियों से मिलती जुलती हो जैसे मान लीजिए हमने देखा कि यहां पर जिस तरह की खोपड़ी मिली या फिर यूरोप में जिस तरह की खोपड़ियां मिली तो उससे पता चल गया कि जो ये मानव हैं उनके अवशेषों उनके लगभग एक ही अवशेष थे ठीक है उनके जीवाश मतलब जो भी उनका डीएनए वगैरह फिर बाकी सारी चीजें इन्होंने कहा एक ही पूर्वज के रहे होंगे तो इस तरह से मतलब आपने कभी जीव जंतुओं की हम बात करें कि सेम जंतु यहाँ पाया गया फिर कहीं पाया गया उस आधार पर आपने व्याख्या कर ली बस वही बात है कि हो सकता है संस्कृतियाँ इतिहास तो ये सारे चीजें अवशेष है वो क्या क्या दिखा सकते हैं कि हमारा प्राचीन इतिहास हो सकता है एक जैसा ही हो उसमें बहुत अंतर ना हो तो ये हो गया आपका चैप्टर खत्म कितने बच्चों का साथ साथ खत्म हो गया चैप्टर चलिए अब आइए बच्चों कुछ तिथियों की हम बात करते हैं ठीक है जैसे कि धर्मसूत्र पाँच सौ से 2000 हजार ईस्वी में लिखा गया पाड़ी की व्याकरण वहाँ हमने 400 पढ़ी यहाँ पर एग्जैक्ट साढ़े चार ईसा पूर्व है सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व 322 में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य रोहण तीन में दि, दिख रहा है आप सभी को दिख रहा है आप सभी को नहीं दिख रहा है मैं बता देती इसे पाड़े की व्याकरण है चार ईसा पूर्व सिकंदर का आक्रमण है तीन ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का है तीन ईसा पूर्व ठीक है तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व बुद्धगम लिखावट विक्रम संवत क्या है 58 57 ईसा पूर्व 58 57 ईसा पूर्व ठीक है विक्रम संवत है हजार से 500 में यजुर्वेद अथर्वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद की रचना ऋग्वेद 1500 से 1000 है 600 से 300 सौ श्रोत सूत्र ग्रह सूत्र हैं छठी शताब्दी में साहित्य के अनुसार महावीर और बुद्ध थे छठी शताब्दी ईसा पूर्व थे बुद्ध और महावीर क्लियर और पाँचवीं शताब्दी पुरातत्व के अनुसार महावीर और बुद्ध थे का पाँचवीं शताब्दी पुरातत्व के अनुसार और साहित्य के अनुसार तो दो अलग अलग तिथियाँ यहीं पर हो गई कुछ और देखो सेवेंटी एट ईसा में सेवेंटी एट ईस्वी में आपके शख्स शक, आपका शख्स अंभव शुरू हुआ अस्सी से 115 द सौ प्लस ऑफ द दू सी लिखी गई 150 में टॉलमी ने जियोग्राफी लिखी तीन में गुप्त संवत हुआ ठीक है गुप्त संवत प्रारंभ हुआ 400 में महाभारत रामायण प्रमुख पुराणों का अंतिम रूप का संकलन हुआ चौथी पांचवी छठी सातवीं ग्यारहवीं और ये शताब्दियों में कौन कौन सी घटनाएं हुई एक बार आप पढ़ लीजिएगा क्लियर चलो अब हम आ गए हमारे नेक्स्ट प्रास्तर योग चैप्टर नंबर फोर या फिर आदिम मानव आदिम मानव या प्रास्तर योग चैप्टर नंबर फोर क्लियर है आप सभी का अरे क्लास खत्म नहीं हुई भाई ये बाय बाय कौन लिखने लगा अभी से अब हम बात करते हैं प्रास्तर युग की आदि मानव की ठीक है चलो सबसे पहले देखो कि जो आपका ये प्रास्तर युग है इसे हम कितने भागों में बांटकर पढ़ते हैं प्रास्तर युग आदिम मानव देखो हमने इसे तीन भागों में बांटा पाषाण काल पाषाण युग मध्य पाषाण युग पाषाण मध्य पाषाण और नवपाषाण पाषाण ठीक है अब देखो युग को आखेटक और खाद्य संग्राहक कहा जाता है क्यों क्योंकि इस युग में मनुष्य क्या था शिकारी था आखेटक अब यहां पर कृषि या पशुपालन नहीं था आखेटक या फिर खाद्य संग्राहक जो कंदमूल फल है इन सभी को बटोरते हुए संग्रह करते हुए अपना जीवन यापन करता था तो यह पुरापाषाण हो गया जब हम मध्य पाषाण की बात करेंगे तो यहां पर शिकार के साथ साथ पशुपालन आ चुका था आखेटक और पशुपालन आखेटक सिर्फ यही यहीं पर फ्लो चार्ट बनवा रही हूं इसमें बाकी आगे रीडिंग है नव पाषाण की जब हम बात करेंगे तो यहां पर जो मनुष्य है वह खाद्य उत्पादक बन चुका था खाद्य उत्पादक मनुष्य यहां पर बन चुका था ठीक है अब देखो दोस्तों पुरापाषाण में पुरापाषाण में इसकी जो अवस्थाएं हैं उसे तीन भागों में बांटते हैं ठीक है पुरापाषाण की जो अवस्था है इसे अगेन हमने फिर से डिवाइड किया तीन भागों में फिर से ऐसे हमने तीन भागों में बांटा एक तो है आपका निम्नपुरा पाषाण निम्नपुरा पाषाण पेल्यूलेथिक दूसरा है आपका दूसरी अवस्था है पाषाण मध्य पुरापाषाण और तीसरी आपकी जो अवस्था है ऊपरी या उच्च पुरापाषाण ठीक है ऊपरी या फिर उच्च पुरापाषाण मध्य पुरापाषाण मेसोलिथिक और ऊपरी पुरापाषाण नव नवपाषाण भी हम इसको कहते हैं या आप थोड़ा सा इसकी तिथि भी याद रखेंगे कि जब आप निम्न पुरा पाषाण काल की बात करेंगे तब हम बात कर रहे होंगे पांच लाख से लेकर पांच लाख से पचास हजार ईसा पूर्व पांच लाख से पचास हजार ईसा पूर्व ठीक है जब हम बात करेंगे मध्यपुरा पाषाण की तब आपका होगा 50 से चालीस हज़ार ईसा पूर्व 50 से चालीस हज़ार ईसा पूर्व और जब हम ऊपरी पाषाण की बात करेंगे दोस्तों ये होगा आपका 40 से दस हज़ार ईसा पूर्व क्लियर है इतना तो ये इस चैप्टर में मैंने आपको मेन चीज़ें बता दें कि हमें अध्ययन किस किस बात का करना है तो यहाँ पर देखो आपका पुरा पाषाण ठीक है मध्य पाषाण और आपका नवपाषाण अब देखो बेसिकली जब हम प्रास्तर युग की बात करते हैं कि आखिर ये युग है क्या अभी तक तो हम समझ रहे थे कि इतिहास का अध्ययन क्यों आवश्यक है प्राचीन इतिहास होता क्या है इसकी प्रासंगिकता क्या है हमें अच्छी बातों को सीखना है बुरी बातों को नहीं सीखना है बस दस मिनट और बच्चों दस मिनट और ठीक है तो यहाँ तक हमने जाना और इसके पहले हमने बात की कि हमें इसकी जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है हमें इसकी जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है टाइप ऑफ सोर्सेस की हमने बात कर ली सिक्का अभिलेख ये सारी चीजें अब हमने पहले जो चर्चा करनी है वह प्रास्तर युग की करनी है प्रास्तर युग पाषाण काल मतलब दैट मीन्स जब मनुष्य अपने जीवन काल के लिए अपने जीवन यापन के लिए जीवन की जो घटनाएं हैं ठीक है ठीके? सबसे ज्यादा पत्थरों से प्रभावित होता था उसके पत्थरों का जो रोल है वह सबसे ज्यादा होता था पाषाण युग पत्थर वाला युग अब देखो इसे अलग अलग भागों में इसलिए बांट दिया पाषाण मध्यपाषण पाषाण हो रहा है सब में आप छीलने काटने बाकी जो आपके औजार बनाने हैं शिकार करना है आपको ठीक है पशुओं को मारने के लिए और इन सभी के लिए आप यूज किसका कर रहे हैं पत्थरों का कर रहे हैं लेकिन जैसे जैसे पत्थरों का आकार बदलता है ना हम उस युग को ही बदल देते हैं शुरुआत में आपको बहुत अच्छे आकार के नहीं मिलेंगे बस आपको पत्थर मिलेंगे कि चलो ठीक है कुछ थोड़े थोड़े से टाइप्स अलग हो गए स्पष्टता है आपको मध्य पाषाण काल में थोड़े से और ज्यादा शार्प औजार मिलते हैं फिर पता चला आपको पॉलिश वाले औजार भी मिल गए उसे हमने नवपाषाण काल कह दिया और अधिक उन्नत आपको औजार मिल गए उपकरण मिल गए पत्थरों के आपने नवपाषाण काल कह दिया तो औजारों की विशेषता के आधार पर हमने इसे तीन भागों में बांट दिया ठीक है औजारों के विशेषता के आधार पर तीन भागों में बांट दिया और ये जो युग है मनुष्य आदि मानव ठीक है आदि मानव का युग हो गया तो ये हो गया आपका पुरा पाषाण मध्य पाषाण नवपाषाण स्क्रीन ले लो भाई मनी खड़ी हूं जल्दी से चलिए अब आप देखो आपके टोटल नंबर ऑफ आप जानते हैं 26 27 इसमें चैप्टर्स होंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं हम बात करेंगे किसकी पुरापाषाण की ठीक है से दोस्तों हम इसको शुरू करते हैं जिसे हम पेलियोलिथिक युग कहते हैं पहले युग। आखेटक और खाद्य संग्राहक ये वो स्थिति है जब मनुष्य क्या करता था शिकार करता था अगर आपको आखेटक और खाद्य संग्राहक के आगे मध्य पाषाण लिखा जाए वो गलत हो जाएगा ठीक है क्यों क्योंकि मनुष्य वहां पर केवल खाद्य संग्राहक नहीं वहां पर तो पशुपालन हो चुका था तो समटाइम्स क्या होता है मैच द फॉलोइंग आगे मैं इसके टेस्ट लूंगी तो तब जो इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि वहां से क्वेश्चन आना चाहिए वो सारे क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी ठीक है चलिए पृथ्वी चार करोड़ वर्षो से अधिक पुरानी है और इसकी परत के विकास में चार अवस्थाएं प्रकट होती हैं जो चौथी अवस्था है जो क्वार्टर है इसके दो भाग है अति नूतन और अद्यतन ठीक है पहला दूसरे से पूर्व 20 लाख और दस हजार वर्ष के बीच था दूसरा आज से लगभग दस हजार वर्ष पहले शुरू हुआ कहा जाता है कि मानव धरती पर प्लाइस्टोसीन के आरंभ से पैदा हुआ। कब पैदा हुआ हुआ कब यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है इन काल इनका मैं आपको भूवैज्ञानिक काल अनुक्रम पढ़ा चुकी हूँ ना टेबल जो आपका था कि कब कौन सा जीव आया कब आदि मानव आया इन सभी बातों पर हम चर्चा कर चुके इसी समय असली गाय हाथी घोड़ा भी उत्पन्न हुआ परंतु लगता है कि यह घटना अफ्रीका में 26 लाख वर्ष पहले हुई होगी आदिम मानव के जो जीवाश्म भारत में नहीं मिले मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत हिमावर्तन ठीक है, है इसमें बताए जा रहे पत्थर के औजारों से मिलता है जिसका की काल लगभग कितना है ढाई लाख ईसा पूर्व रखा जाता है ठीक है ठीक है लेकिन हाल में महाराष्ट्र के जो बोरी नामक स्थान है बोरी कहाँ पर स्थान ये बोरी महाराष्ट्र की है भाई इसके तथ्यों की रिपोर्ट से जानकारी क्या मिलती है कि मानव की उपस्थिति और भी पहले यानी चौदह लाख वर्ष पूर्व रखी जाती है पर इस विषय पर खोज की जरूरत है अब मालूम होता है कि अफ्रीका की अपेक्षा भारत में मानव बाद में बसे हालांकि इस उपमहाद्वीप का पाषाण तकनीक मोटे तौर पर उसी तरह से विकसित हुआ जैसे कि अफ्रीका में भारत में आदिम मानव पत्थर के अनगढ़ और अपरिष्कृत औजारों का इस्तेमाल करते थे और ऐसे औजार सिंधु गंगा यमुना के कछारी मैदानों में छोड़े गए देश में पाए गए तराशे हुए पत्थरों के औजार और फोड़ी हुई मिट्टियों से वे शिकार करते थे गिट्टियों से ठीक है गिट्टियों मिट्टियों ने। गिट्टियों से भी शिकार करते थे पेड़ काटते थे, थे इस काल में औजार छोटे नागपुर पठार में मिले जो कि लगभग एक लाख ईसा पूर्व के हो सकते हैं ऐसे औजार जिनका समय बीस हजार ईसा पूर्व बीस हजार और दस हजार के बीच में है वह आंध्रा के कोंडुल शैल के पास में मिलते हैं अब यहां पर बार बार आपको क्षेत्रों के नाम आ रहे हैं अब प्रश्न आता है कि कर्नूल जो है वह किस काल का स्थल है पुरापाषाण मध्य पाषाण नवपाषाण ठीक है यहाँ से क्वेश्चन हड्डी के उपकरण पशुओं के अवशेष भी मिलते हैं यूपी के मिर्जापुर जिले की बेलन घाटी में जो पशुओं के अवशेष मिले उससे ज्ञात होता है कि बकरी भेड़ गाय भैंस आदि मवेशी पाले जाते थे फिर भी पुरापाषाण युग का आदिम अवस्था का मानव शिकार और खाद्य संग्रह पर ही जीता है खाद्य संग्रह पर ना केवल फल और कंदमूल खाकर जीने वाले लोग थे। थे, थे? इस तरह के जो कुछ लोग वह क्या करते थे? पर्वतों और गुफाओं में रहते थे पुराने ढंग से जीते थे पुरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लाइसिन काल के हिम युग में हुआ यद्यपि पत्थर के औजारों के साथ साथ मानव अवशेष जो अफ्रीका में मिले अच्छा वह ठीक है ठीक है ये तो हमने पढ़ लिया है ना कि जो 26 लाख वर्ष पुराने माने जाते हैं यद्यपि हम भारत में मिली बोरी की सामग्री बोरी कहां पर महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं कि इसको अगर हम छोड़ दें तो पत्थर के औजारों से है लक्षित मानव की प्रथम उपस्थिति मध्य अर्थात लाख वर्ष से पूर्व नहीं ठहरती दो चार बार पढ़ोगे अपने आप ये सारी चीजें जो है वह समझ में आ जाएंगे ठीक है अब हम देखो पुरा पाषाण की अवस्थाओं को समझते हैं जो कि मैंने पहले आपको बता दिया कि इसकी जो है वह तीन अवस्था होगी एक तो होगा आपका निम्न पुरा पाषाण काल ठीक एक होगा आपका मध्य पाषाण काल और एक होगा आपका नवपुरा पाषाण काल ठीक है इस पर औजारों की जो स्थिति जो कंडीशन है वह चेंज होती गई पुरापाषाण युग की अवस्थाएं भारतीय पुरापाषाण युग को मानव के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर तीन अवस्थाओं में डिवाइड किया जाता है पहली यह आरंभिक अवस्था आपकी निम्न पुरापाण की है दूसरी आपकी मध्य पुरापाण की है और तीसरी ऊपरी कहा जाता है जब तक शिल्प सामग्री के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिल जाती तब तक हम मोटे तौर पर, पर पहली अवस्था को पांच लाख से पचास हजार ईसा पूर्व दूसरी अवस्था को पचास से चालीस हजार तीसरी अवस्था को चालीस से एक हजार ईसा पूर्व के आसपास रख सकते हैं ठीक है तो यहां पर देखो कि अधिकांश आरंभिक पुरापाषाण युग हिमयुग से गुजरा है और इसका लक्षण है कुल्हाड़ी और हस्त कुठार विदारणी खंडक का उपयोग चौपर का उपयोग ये वाला जो आपका पॉइंट है यहाँ पर मैं एक स्टार रख देती हूँ उसका मतलब आप समझ ही गए होंगे यूपीएससी पूछ चुका है कि ये जो औजार हैं वह किस समय काल की बात करते हैं भारत में पाई गई कुल्हाड़ी काफ़ी हद तक वैसी है जैसे कि पश्चिम एशिया यूरोप और अफ्रीका में पत्थर के औजार मुख्यतः काटने खोदने और छीलने का काम लिया जाता था आरंभिक पुरापाषाण के स्थल अब पाकिस्तान में जो पंजाब की सोहन अब देखो सोहन नदी घाटी सोहन नदी घाटी किसकी बात हो रही है पुरापाषाण युग की अवस्थाओं की सोहन नदी घाटी में पाए जाएंगे पुरापाषाण के कई स्थल कश्मीर और थार मरुभूमि में भी हैं आरंभिक पुरापाषाण काल औजार यूपी के मिर्जापुर की बेलन घाटी हैं राजस्थान की मरुभूमि में भी है बेलन और नर्मदा की घाटियों में भी है एमपी के भोपाल के पास भीम की गुफाएं भीम की गुफाएं यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है ना कितने हो गए अब धरोहर सूची में चलिए नेक्स्ट देखो शैलाशय का उपयोग मानव ऋतुकालिक बसेरे के लिए करता था वैसे तो उतना वो नहीं था कि हम स्थायी रूप से बस जाए लेकिन अगर बहुत ज्यादा बारिश होगी ठंड होगी तब तो फिर आप कहीं ना कहीं खुद को छुपाएंगे ही तो जो शैलाशय की बात करेंगे गुफाओं की बात करेंगे वहां पर मनुष्य क्या करता था खुद के छुपने की व्यवस्थाएं रुकने की व्यवस्थाएं किया करता था हस्त कुठार द्वितीय हिमालय अंतर हिमावर्तन हे, के समय जमाव में मिले इस अवधि में जलवायु में नमी कम हो गई अब किस अवधि में जलवायु में आर्द्रता आई कब जलवायु जलवायु परिवर्तन चेंज होती रही ना हमेशा एक जैसी रही है पहले जो जलवायु थी वह आज नहीं है आज जो है वो कल नहीं होगी तो ये जो जलवायु का परिवर्तन है यूपीएससी प्रश्न पूछता है कि किस काल में जलवायु में परिवर्तन आया नव नव पाषाण काल मध्य पाषाण काल या पूरा पाषाण काल चलो जल्दी से कमेंट करके बता दो मध्यपुरा पाषाण युग में उद्योग मुख्यतः पत्थर की पपड़ी से बनी वस्तुओं का था ठीक है ये पपड़ियां सारे भारत में पाई गई और इसमें क्षेत्रीय भेद भी पाए गए मुख्य औजारों में पपड़ियों के बने विविध प्रकार के फलक वेदनी छेदनी खुरचनी ये सारे मिले तो जो हथियार है वे भारी मात्रा में मिले ठीक है हथियार गोला बारूद नहीं की बात नहीं हो रही यहाँ पर पत्थरों के बने औजारों की बात हो रही मध्य पुरापाषाण स्थित जिस क्षेत्र में है मोटे तौर पर उसी क्षेत्र में आरंभिक पुरापाषाण स्थल भी हैं और यहाँ एक प्रकार की वाटिकाष्म उद्योग यानी पत्थरों के गोल गोलों से वस्तुओं का निर्माण देखते हैं जो कि तृतीय हिमालय हिमावर्तन के सीधे समकाल में चलता है शिल्प सामग्री नर्मदा घाटी नर्मदा नदी के किनारे किनारे कई स्थान और तुंगभद्रा के दक्षिण में कई स्थानों पर पाई जाती थी पाई जाती है ठीक है साथ ही देखो ऊपरी पाषाण अवस्था अब जो तीसरी अवस्था है ऊपरी पाषाण अवस्था इसमें आद्रता कम हो गई अब यहां पर इस बात को याद रखना मैं आपसे उस पर पूछूंगी जब मैं टेस्ट दूंगी तब एक बार फिर से आपका ठीक से रिवीजन हो जाएगा हो सकता है ये जो टेस्ट मैं आप जल्दी ही आपका लूंगी एंशीअ का ताकि आप चीजों को साथ ही साथ कवर कर सके तो यहां पर देखो आदरता कम हो गई और इस अवस्था में विस्तार हिम युग की उस अंतिम अवस्था के साथ रहा जब जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो चुकी थी विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी दो विशेषताएं हैं नए चकमक उद्योग की स्थापना और आधुनिक प्रारूप के मानव यानी जो होमोसेपियंस है इनका उदय होना तो होमो और नए किसकी बात है ऊपरी होमोसेपियोगाण अवस्था की घटनाएं हैं और जलवायु पर कैसी थी आद्रता कम हो गई ठीक है भारत में फलक और जो तक्षणीय है इनका इस्तेमाल देखा जाता है यानी जो ब्लेड और है और कर्नाटक आंध्रा महाराष्ट्र केंद्रीय एमपी मतलब केंद्रीय मध्य प्रदेश दक्षिणी यूपी बिहार के पठार इसके इर्द गिर्द पाए गए ऊपरी पुरापाषाणी अवस्था में के मानवों के उपयोग के लायक गुफाएं और शैलाश भोपाल के दक्षिण में 40 किलोमीटर दूर में गुजरात के के टिब्बों ऊपरी ऊपरी तलों पर बेटका भंडार भी मिले जिसकी विशेषता है शल्क फलक तक्षिणी खुरक्षणियों इनकी अपेक्षा अधिक मात्रा में ही पाया जाना ठीक है साथ ही सिंधु गंगा कछारी मैदानों में भी इनका पता जो है वह नहीं है अब देखो सेकेंड है नेक्स्ट है आपका दोस्तों मैसोलिथिक यानी आपका सेकंड जो आप मैसोलिथिक की बात करेंगे अब जो मनुष्य है आखेटक है और पशुपालक है ठीक है अब मनुष्य क्या है आखेटक है और पशुपालक है आखेटक और खाद्य संग्रह नहीं है आखेटक है पशुपालक है अब वह पशुपालन सीख चुका है मैसोलिथिक युग में ऊपरी पुरापाषा पुरा नियुक्त का अंत होता है नौ हज़ार ईसा पूर्व देखो ये जो तिथियां है ना आपको हो सकता है अभी फंसा रही हूँ आपको चीज़ें समझ ना आ रही हूँ एक बार आप सारी चीज़ों को जब लिख लोगे ना अपने आप सारी चीज़ें समझ में आएंगी तो सारी एक लिस्ट बनाए कि अच्छा नौ हज़ार ईसा पूर्व इस तिथि का अंत हुआ और इस घटना का अंत हुआ और ये वाली जो घटनाक्रम है वह शुरू हो गई तो देखो चीज़ें तो आपको जब आप उन्हें समझोगे तभी सरल होगी इसके आसपास हिम युग के अंत के साथ हुआ जलवायु गर्म और शुष्क हो गई अब देखो जलवायु में एक जगह नमी में कमी आ गई थी वो पुरापाषण वाला था ठीक है ऊपरी था अब यहां पर जब हम मध्य युग की 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 बात कर रहे की बात कर कर रहे रहे हैं हैं तो यहां पर जलवायु गर्म और शुष्क हो गई तो एक टेबल बना लो जिसमें जलवायु लिख लो एक तरफ और एक तरफ सारे युग लिख लो और उसका परिवर्तन देख लो जलवायु के परिवर्तन के साथ पेड़ पौधे जीव जंतुओं में भी परिवर्तन आया और नए क्षेत्रों की ओर अग्रसर हो गए 9000 ईसा पूर्व जलवायु की स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ प्रास्तन युगीन संस्कृति में 9000 ईसा पूर्व में एक मध्यवर्ती अवस्था आई जो कि हमने क्या कहा जैसे कि मध्य पाषाण युग कहा देखो समटाइम्स क्या होता है मान लीजिए ऊपरी पुरापाषाण या फिर कोई पाषा ये ना लिखा हो अब बस यहाँ से वर्णन हो कि इस वक्त जलवायु गर्म और शुष्क हो गई नए जीव जंतु नए पेड़ पौधे इनका विकास हुआ कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया ये अवस्था कौन सी अवस्था है तो ये मध्य पाषाण अवस्था है ये आपको फाइंड करना है ये पुरापाषाण युग और नव पाषाण के बीच की अवस्था है मध्य अवस्था है किसके पुरापाषाण और नवपाषाण के बीच का एक संक्रमण काल है एक ट्रांजिशन एक फेज है मध्य पाषाण युग के लोग शिकार करके मछली पकड़कर खाद्य पदार्थों का आ, क्या करते थे इकट्ठा इन्हें करते थे बटोर कर पेट भरते थे आगे चलकर अब ये पशुपालन करने लगे शुरू में तीन पेशे तो पुरा पाषाण से चले आ रहे थे पर अंतिम पेशा नवपाषाण से शुरू हुआ मध्य पाषाण युग के विशिष्ट औजार है सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार माइक्रोलिथ्स माइक्रोलिप्स किसकी विशेषता है मध्य पाषाण स्थल राजस्थान दक्षिणी उत्तर प्रदेश मध्य और पूर्वी भारत में काफी मात्रा में पाए जाते हैं और दक्षिण भारत देखो एक जगह में तुम भद्रा नदी पड़ा था यहाँ पर हमने कृष्णा नदी पढ़ लिया है ना यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया बच्चों कृष्णा नदी पढ़ लिया इनमें से राजस्थान के बागौर स्थल का उत्खनन भली भांति हुआ अब देखो राजस्थान का बागौर स्थल और कृष्णा नदी का जो किनारा है वह किसके लिए प्रसिद्ध है मध्य पाषाण के लिए सुस्पष्ट सूक्ष्म पाषाण फलकों का उद्योग था यहाँ के निवासियों की जीविका शिकार और पशुपालन से चलती थी इस स्थल पर बस्ती ईसा पूर्व पंद्रहवीं सह शताब्दी से आरंभ होती है पांच हजार वर्षो तक चलती है देखो कुछ चीजें आपको केवल पढ़ने के लिए पढ़ना है वो नहीं पूछी जाएगी तो जिसको जिसको मैं आपको रही बता रही हूँ ठीक है तो उस पर बहुत ध्यान नहीं दे रही लेकिन हाँ रीडिंग आपको सारी करनी चीजों को कनेक्ट करने के लिए जरूरी होता है रीडिंग मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर पशुपालन की प्राचीनतम साक्ष्य जिनका समय लगभग 5000 हजार ईसा पूर्व है राजस्थान के एक पुराने नमक झील संबर के जमावों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि यहाँ पर सात से छह हजार ईसा पूर्व पौधे लगाए जाते थे अभी तक मध्य पाषाण युग के कुछ ही उपलब्धियों का वैज्ञानिक काल परीक्षण हो चुका है मध्य पाषाण संस्कृति का महत्व मोटे तौर पर 9 से 4000 हजार ईसा पूर्व तक बना रहा इसमें संदेह नहीं कि नव पाषाण संस्कृति का मार्ग इसने प्राशास्त किया और अब आपका अंतिम है नव पाषाण ठीक है अब आपका अंतिम काल कौन सा है पाषाण काल ठीक है नवपाषाण आपका अंतिम हो गया थोड़ा सा समय बच्चे और दीजिए लास्ट चैप्टर लास्ट आपका टॉपिक है उसके पहले एक बार आपको थोड़ा सा इंडेक्स दिखाती हूं फिर से एक बार ठीक है तो आपका प्रास्तर और आदि मानव ये चार कंप्लीट हो गए आपके कल रात की क्लास में और आज ये आपके कंप्लीट अब कल हम बात करेंगे ताम्र हड़प्पा पॉसिबल होगा तो आर्यों हो के आगमन की भी तो इस तरह से आपका हमें पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लगभग 10 से 12 क्लास में ही जो आपका ये पूरा एंशियंट है ये खत्म हो जाए और इसके जो टेस्ट है वह मैं आपके एप्लीकेशन पर लूंगी ठीक है इसके जो टेस्ट है वह मैं आपके एप्लीकेशन पर लूंगी तो लास्ट टॉपिक को खत्म करने से पहले आप सभी को एक बार बता दो दोस्तों वरना आपकी संख्या जो है वह कम हो जाती है इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल नहीं पाती नेक्स्ट जो आपको लगभग थर्टी क्लासेस मिलने वाली हैं ठीक है ठीके? ये आपको मिल रही हैं हिस्ट्री की और हिस्ट्री में भी ओल्ड ओल्ड एन एक बार इसको पढ़ लो प्राचीन मध्य और इसको आधुनिक को तो आपका हिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगा काफ़ी ठीक है और इसके जो टेस्ट हैं इसके जो टेस्ट हैं वे आपके डे वन डे टू करके शुरू होंगे डे वन हिस्ट्री एन टेस्ट ये एप्लीकेशन पर होगा ठीक है ये शुरू होने वाले हैं आपके हिस्ट्री के टेस्ट अभी आपके एन के जोग्रफी वाले टेस्ट चल रहे हैं और जोग्रफ़ी के जो टेस्ट चल रहे हैं आपके एप्लीकेशन पर आई थिंक ट्वेंटी नाइन या थर्टी टेस्ट हो चुके हैं और अभी एक दो क्लास का एन आपका और रह गया है ठीक है तो ये भी आपका साथ साथ चलता रहेगा लेकिन हिस्ट्री का आपका डे वन से शुरू होगा अब जितना भी जियो जो आपका जोग्रफी छः से बारह कम्प्लीट हो चुका है आई थिंक एवं और ट्वेल्व ये दो तीन किताबों के आपके जो टेस्ट है वह रह गए अलेवन ट्वेल्थ में दो दो किताबें हैं ना एन की तो इसमें देखो लग मुझे लगता है कि दस टेस्ट और होने चाहिए तो इस तरह से जोग्रफ़ी के आपको फोर्टी टेस्ट अराउंड अवेलेबल होंगे अन अकेडमी एप्प्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट है मंजू वन जीरो वन कोड यूज़ करो उन टेस्ट को दो समझो ठीक है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं आपका पूरा जोग्राफी इससे रिवाइज हो जाएगा इन टेस्ट से साथ ही देखो अब जो हिस्ट्री पे मैं शुरू कर रही हूँ तो अभी मैं ओल्ड यही यही से टेस्ट शुरू करूँगी जहाँ से अभी पढ़ा रही हूँ वो जो छः सात आठ पहले पढ़ा चुकी हूँ ना आरोहण की क्लास में एक से तीस तक उसका टेस्ट मैं बाद में ले लूँगी वो न्यू एनसीआर टी आपकी छः सात आठ की है ठीक है ये हम इलेवेंथ ट्वेल्थ का यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं तो अभी आपका यही चीज़ें जो है वह कंटिन्यू चलेंगी साथ ही देखो मैं कुछ अभी आपको स्पेक्ट्रम का कल आपको एक स्पेक्ट्रम का भी क्लास मिलने वाला है यहां पर मैं सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगी कि कितनी क्लासेज आपकी हो चुकी हैं कितनी क्लासेस कब होंगी ठीक है और अभी आपको कुछ जो है वह स्पेशल समटाइम्स में यूपीएससी पीटी के लिए मोक टेस्ट मिल जाएंगे साथ ही आपको एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन बच्चों दे देती हूँ कि सितंबर में और अक्टूबर में सितंबर में अक्टूबर में मेरे जो प्लस कोर्सेज हैं वह आ रहे हैं फिर से आप सभी के लिए ठीक है प्लस कोर्सेज आ रहे हैं आप जो भी बच्चे दो हज़ार आप 22 वाला देंगे उन सभी के लिए एक पूरा विस्तारित जो पाठ्यक्रम है वह मैं यहाँ पर लेकर आने वाली हूँ प्लस बच्चों के लिए जो भी सब्सक्रिप्शन लिए हुए बच्चे हैं उन सभी को ये बैच मिल जाएंगे चलिए तो लास्ट टॉपिक की हम बात करते हैं ये पी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाता है एज़ इट इज़ तो आप एक बार अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा चलिए नव पाषाण पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा पढ़ती जाऊँगी रुकती जाऊंगी मेन इन्फॉर्मेशन अंडरलाइन करूंगी आपके पास किताब है अच्छी बात है किताब नहीं है पीडीएफ डी एफ सही अवेलेबल नहीं हो रही है इसकी ठीक है मैंने भी ऑनलाइन कई जगह सर्च किया तो वहाँ पर पी सही है कहीं पर कोई चैप्टर नहीं है चैप्टर या फिर किसी अन्य चीज़ के ऐड है तो आप कोशिश कीजिए इसकी हार्ड कॉपी आप ख़रीद लें उसको अच्छे से बारीकी से पढ़ लो लास्ट है आपका नियोलिथिक नवपाषाण जब मनुष्य खाद्य उत्पादक हो चुका था विश्व स्तरीय संदर्भ में नव पाषाण युग 9000 ईसा पूर्व से आरंभ होता है और भारतीय उपमहाद्वीप में नव पाषाण युग की एक ऐसी बस्ती मिली है जिसका समय 7000 ईसा पूर्व है यह पाकिस्तान के ब्लूचिस्तान प्रांत में अवस्थित है पाकिस्तान के ब्लूचिस्तान में कौन सी बस्तियां मिली है नवपाषाण कालीन बस्तियां मिली है क्योंकि इनका समय नौ हजार हजार के आसपास है और ये मेहरगढ़ मेहरगढ़ की बात हो रही है आरंभ में 5000 ईसा पूर्व पर लोग मृदभ का प्रयोग नहीं करते थे और विन्द पर्वत के उत्तरी पृष्ठों पर कुछ नव पाषाण के 5000 ईसा पूर्व तक पुराना बताया गया तो सबसे ज्यादा पुराना तो यही विन्द पर्वत के आसपास बताया जा रहा है किंतु सामान्यतः दक्षिण भारत में पाई गई नव पाषाण बस्तियां 2500 ईसा पूर्व से अधिक पुराने नहीं है भारत के कुछ दक्षिणी और पूर्वी भागों में भी ऐसे स्थल एक ईसा पूर्व के है इस युग के लोग पॉलिशदार पत्थर का प्रयोग और अब देखो अब आ गया एक भाई नया आपका कॉन्सेप्ट इसको ध्यान से पढ़ो पॉलिशदार पत्थर और हथियारों का प्रयोग ठीक है पत्थर की कुल्हाड़ियों का प्रयोग विशेषता तो इस तरह के जो औजार है जैसे कि आपने परशुराम की कुल्हाड़ी वो तो सुनी ही होगी तो इस तरह की कुल्हाड़ियाँ कब बनी ये नवपाषाण की बात है ठीक है ज़्यादा विशिष्ट औजार आपको मिलते हैं नवपाषाण युग के निवासियों के द्वारा व्यवहारता कुलाड़ियों के आधार पर हम उनकी बस्तियों के तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र देखते हैं उत्तर पश्चिमी उत्तर पूर्वी और दक्षिणी उत्तर पूर्वी समूह के नवपाषाण औजार में वक्रधार की आयताकार कुल्हाड़िया है उत्तर पूर्वी समूह की कुल्हाड़ियों में पॉलिशदार पत्थर होता था जिसमें कि आयताकार दस्ता लगा होता था कभी कभी कंधेदार खांती शोल्ड जो शोल्डर्ड है वह भी होते थे दक्षिणी समूह के कुल्हाड़ियों में जो बगले हैं वे अंधाकार होती थी हत्ता नुकीला होता था ठीक है तो ये कुछ उसकी विशेषता कुल्हाड़ियों के आधार पर हमने इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र अलग अलग बांट दी कि यहाँ की कुल्हाड़ी हमें इस टाइप की मिली किसी अन्य जगह की कुल्हाड़ी हमें दूसरे टाइप की मिली ठीक है तो यहाँ पर देखो ज्यादा नुकीले और जो पॉलिशदार जो औजार थे पत्थरों के वह कब बनाए गए नवपाषाण में ठीक है उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम में कश्मीरी कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति की कई विशेषताएं हैं जैसे की गर्तावास ठीक है मृदभा की विविधता पत्थर और हड्डी के तरह तरह के औजारों का प्रयोग सूक्ष्म पाषाण का अभाव इसका एक महत्वपूर्ण स्थल है हम जिसका अर्थ होता है वृक्ष का स्थान श्रीनगर के उत्तर पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर है एक नवपाषाण योगी झील भी है ठीक है यहाँ के लोग खेती से परिचित थे तो बुर्जों में खेती के प्रमाण मिलते हैं एक अन्य नवपाषाण स्थल है गुफर जो गुफ कराल है जिसका अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन दोनों धंधे करते थे कश्मीर युग के लोग ना केवल पत्थर के पॉलिशदार औजारों का प्रयोग करते थे अपितु इससे भी मजेदार बात यह है कि वे हड्डी के बहुत सारे औजार और हथियारों का प्रयोग करते थे हड्डियों से ना केवल औजार हथियार बनते थे बल्कि ये एज अ आभूषण भी उसका यूज करते थे पहनते थे भारत में सिर्फ चिराद ही एक देखो अब एक स्थान है आप सभी संबोधन भी देते होंगे अपने कुछ मित्र यारों को तो यही केवल एक के ऐसा स्थान है जहां हड्डी के अनेक उपकरण पाए गए यह स्थान गंगा के उत्तरी किनारे पर पटना से लगभग 40 किलोमीटर पश्चिम में है यहाँ के उपकरण हिरण के सींगों के हैं परवर्ती नवपाषाण परिवेश में सौ सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए गए यहाँ बस्ते इसलिए संभव है कि गंगा सोन गंडक घाघरा इन नदियों के संगम काल होने के कारण अब खुली जमीन उपलब्ध है और यहाँ नवपाषाण जो संस्कृति है पत्थर के औजारों की कमी ध्यान देने योग्य है ठीक है अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा बुर्जहोम की की हुई है ठीक है और यहाँ पर कहाँ पर पालतू कुत्ते का जो प्रमाण है वह मिलता है कि पालतू कुत्ते को उसके मालिक की कब्र में दफनाने की प्रथा भारत के नवपाषाण युग के लोगों में शायद नहीं थी थी या फिर नहीं थी कोई पर्टिकुलर प्रथा तो ये था आपका आज का चैप्टर्स ठीक है तो यहां पर आपको ये लास्ट आपको बस यही समझिए बच्चों इस चैप्टर में कि प्रास्तर युग जो है वो एक ऐसा युग जब मनुष्य पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था और उसके जीवन यापन की मुख्य घटनाओं में मुख्य जो मेन जो उसका यूज था किसका था पत्थर का ही था ठीक है तो प्रास्तर युग में लोगों की एक भारी लाचारी क्या थी कि वे पूर्णतः पत्थर के ही औजार और हथियार पर आश्रित थे और यही कारण है कि वे पहाड़ी इलाकों से दूर नहीं जा पाते थे मैदानी इलाकों में जाएंगे वहाँ मिट्टी है वहां से कैसे औजार बनाओगे जब औजार नहीं बनाओगे तो उससे कैसे आप पशुपालन करोगे कैसे आप शिकार करोगे तो अब जो लोग हैं वो भले नदी घाटियों के किनारे हो लेकिन पहले के लोग पहाड़ों के नज़दीक ज़्यादा रहते थे उसका कारण था कि वहाँ पर चट्टान अवेलेबल थी वहाँ पर पत्थर अवेलेबल थे और हमें जब धातुओं का ज्ञान नहीं था हमें केवल पत्थरों का ज्ञान था हम उससे ही उपकरण और औजार बनाया करते थे जो हमारे जीवन में एक बड़ी घटनाएं थी ठीक है तो वे पहाड़ियों की गुफाओं पर ढलानों पर गुफाओं में पहाड़ों से युक्त नदी घाटियों में वहां पर ही अपना निवास रखते थे और साथ ही साथ काफी प्रयास के बावजूद वे केवल उतना ही अनाज पैदा कर पाते थे जितने में कि वो अपना जीवन बसर कर सके ठीक है तो देखो इससे कुछ प्रश्न मैं आप सभी को बता देती हूं कि भारत में पाषाण काल किन अवस्थाओं में विभाजित है चलिए आइए पहले मैं आप सभी को कुछ प्रश्नों से परिचित करा दूं। भारत में पाषाण काल लिखने की कोशिश कीजिएगा भारत में अभी आपके टेलीग्राम के मैसेजेस ओपन हैं तो जो भी बच्चे लिखना चाहते उसमें सेंड करना चाहते हैं अपने आंसर्स कल के भेज दीजिए भारत में पाषाण युग पाषाण काल किन किन अवस्थाओं में विभाजित है किन किन अवस्थाओं में विभाजित है इस विभाजन का आधार क्या है इस विभाजन का आधार क्या है इस विभाजन का आधार क्या है ठीक है 200 शब्दों में आपको लिखना है देखो स्पष्टता है यहां पर तो आपसे ऑल ओवर पूछ दिया अब एक अगला प्रश्न आपसे कुछ इस तरह भी पूछा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया कि नवपाषाण को नवपाषाण नव पाषाण नव युग को मानव जीवन मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन वाला क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला क्यों कहा जाता है नवपाषाण को मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला क्यों कहा जाता है ठीक है कौन कौन से औजार मिले कौन कौन से स्थान हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एक बार आप सभी इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए लिख लेंगे आप सभी आपके कमेंट्स में देख रही हूँ ये कौन सी क्लास है भाई ये क्लास एलेवेंथ है ओल्ड एन ओल्ड एन आपका हिस्ट्री का पढ़ा रही हूँ आप सभी को सो बच्चों आज हमने काफ़ी कुछ बातें की कल हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता और तम uh, हाँ मैम कल से हड़प्पा वाला चैप्टर हाँ भाई अतुल वही होगा कल से ठीक है कल हम बात करेंगे आपकी ताम्र संस्कृति की ताम्र पाषाण संस्कृति और उसके बाद फिर आपकी हड़प्पा संस्कृति हड़प्पा कांस्य युगिन सभ्यता ठीक है तो चैप्टर नंबर सिक्स और सेवन आपका कल की क्लास में होगा आज आपको अनएकेडमी एप्लीकेशन पर एक एनसीईआरटी का टेस्ट मिलने वाला है तो सभी तैयार रहिएगा मैं जस्ट आपको विद इन वन आवर इन्फॉर्मेशन सेंड कर दूंगी कि कितने बजे वो टेस्ट होगा और उसका लिंक भी सेंड कर दूंगी तो आप सभी को कंटिन्यू रोज़ क्लास में 11 बजे से ये क्लास होता है बच्चों 11 बजे आप सभी जुड़िए और एंशियंट हिस्ट्री को पूरा कवे जिन बच्चों ने ये शुरुआत की एक दो क्लासेस की है आगे की भी क्लासेस आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है जब हम किसी पर्टिकुलर शासन काल को पढ़ेंगे बौद्ध जैन को पढ़ेंगे ठीक है दसवा चैप्टर आपका बौद्ध जैन का होगा तो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन हैं इन क्लासेस में तो चलिए हम मिलते हैं साथ ही जो बच्चे नए हैं वह अन अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले आइकन प्रेस कर दे साथ ताकि नोटिफिकेशंस मिलते रहें चलिए सो बच्चों कंटिन्यू बने रहिए थैंक यू थैंक यू वेरी मच